हाँ लास्ट लेक्चर जो होगा गाइज, लास्ट लेक्चर मतलब देखो इसके बाद मतलब ये बोलते सर इल्यूमिनाटी जैसा बनाया, नहीं नहीं ये एक्चुअली एडवांस का एक क्वेश्चन था जो एसएस क्रोटो का था और एक गिरोडो का क्वेश्चन था जो पिछला लास्ट का क्वेश्चन था, राइट? ठीक है, तो ये किसी के सॉल्व हुए क्या क्वेश्चन? ये दोनों क्वेश्चन किसी के सॉल्व हुए आप में से? कोई भी किसी का भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ? यस नो लिख दो भाई। कोई भी कोई भी। आविष्कार, नील और नासिक औरंगाबाद से कोई बताओ भाई। इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है? ओके ट्राई करो ना, ये वाला चीज ट्राई करो सब लोग गाइस, अब ये सब ट्राई करो। देखो ये पूरा इनफाइनाइट लूप है और यहाँ पे एबी के अंदर का एक मुझे रेजिस्टेंस चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे भी इनफाइनाइट लूप रेजिस्टेंस चाहिए, ठीक है, वो चलो ठीक है, जो भी है वो आप लोग करते रहना, ठीक है। अब गाइज जनरली मुझे अभी जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं आपको सबको पता है कौन से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, ठीक है। अब सब जगह पे यहाँ पे मेरे एक ऑफलाइन लेक्चर होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, ठीक है, तो विल स्टार्ट विद वाकड़े, मतलब वाकड़े में स्टार्ट करेंगे, वाकड़े, बोरीवली, वीपी, ऐसा अंधेरी, नासिक औरंगाबाद में एक एक ऐसा लेक्चर हो जाएगा सब जगह पे। इवन जो भी अपने टीचर्स हैं, सुनील सर, रवि सर, जितने भी, ठीक है, रोशन सर, शशांक सर, ये लोग भी करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर आपके ऑफलाइन लेक्चर्स लेंगे, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्विंग। तो जिन लोग का अभी तक जिन लोगों का अभी तक हुआ नहीं है, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी हुआ नहीं है, ठीक है, आप लोग प्रॉपर तरीके से, अपने को अभी छुट्टी है ना, अभी इसके बाद आपको एक वेकेशन मिलने वाला है, उसके अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉपर अच्छे से करना, क्योंकि उसके बाद डायरेक्टली अपनी टेस्ट होगी, ठीक है, करंट की टेस्ट होने वाली है जस्ट आफ्टर योर ब्रेक, ठीक है। तो एक चीज ध्यान में रखना, मैं अभी भी एक एक्चुअली एडमिन ग्रुप में मैसेज डाल के रखता हूं, ठीक है, कि अपनी टेस्ट होने वाली है करंट इलेक्ट्रिसिटी टेस्ट, क्योंकि अभी कैसा है देखो, सारे टॉपिक आपके ऑफलाइन चल रहे हैं तो ऑनलाइन के ऊपर का आपका ग्रिप कम नहीं होना चाहिए, राइट? और करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी टेस्ट आफ्टर, अभी FLT है ना, हाँ, तो ओनली करंट इलेक्ट्रिसिटी और जो भी ऑफलाइन टॉपिक चल रहा होगा वो, ठीक है, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी प्लस SHM लिख देते हैं, प्लस SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, SHM टेस्ट आफ्टर हॉलीडेज, ठीक है। ये मैं सारे सर को भी भेज देता हूँ फिजिक्स ग्रुप में, एक मिनट गाइज। नहीं, जितना भी जहां पे भी होगा वहां पे, ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, इन दोनों के ऊपर टेस्ट होगी, ठीक है। फिर मैं स्टार्ट करूंगा कैपेसिटर्स, ठीक है, आफ्टर हॉली टेस्ट, और वेव चलेगा, ठीक है। कैपेसिटर्स के बाद गाइज मैं खुद वेव ऑप्टिक्स पे आऊंगा, वेव ऑप्टिक्स करके टॉपिक है एंड मॉडर्न फिजिक्स में कराऊंगा, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटर जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और जो ऑनलाइन में आपको अच्छे समझ में आ गया, मतलब वैसे चीजें यहाँ पे चलेगी, उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स और उसके अंदर अपन खत्म कर देंगे, ठीक है गाइज, मतलब जुलाई तक, जुलाई एंड तक, मतलब जुलाई मिड तक या जुलाई एंड तक अपना ऑनलाइन का चीज खत्म हो जाएगा, ठीक है, फिर चीजें जो भी है बाकी वाली वो चलती ही रहेगी, ठीक है। और ध्यान में रखना, सिंपल, सबसे सिंपल चीज, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऐसी है कि अभी सिर्फ पोर्शन अपने को खत्म करना, आपको भी जो जो चल रहा है करंट, वो करंट, मतलब जो जो करंट टॉपिक्स चल रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं, करंट टॉपिक चल रहे हैं, उनको प्रॉपर तरीके से करते रहना, क्योंकि आफ्टर एक बार पोर्शन कंप्लीशन हो जाता है कोई भी टॉपिक का, फिजिक्स का, मैथ्स का, किसी का भी, तो उसके बाद रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब क्वेश्चन सॉल्विंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और काफी अच्छा खासा रिवीजन पैटर्न सुनील सर ने, रोशन सर ने, ठीक है, बनाया हुआ है, जिसको हम लोग रेप्लीकेट करेंगे, ठीक है। सिमिलरली प्रणय सर ने बनाया हुआ है मैथ्स के लिए, तो ये रिवीजन पैटर्न बहुत आपको हेल्प करने वाले क्वेश्चन सॉल्विंग का, ठीक है,
मतलब फुल टेस्ट, मेजर टेस्ट, पार्ट टेस्ट सारे के सारे होंगे, जिससे आपका ग्राफ ऊपर जाएगा। चलो, सो लेट्स स्टार्ट। अब मेरा अभी का टॉपिक है गाइस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन सी होती है, कौन से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आपने सुने हुए हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है, कोई भी चीज को मेजर करना है, मतलब वोल्टेज को मेजर करना है, करंट को मेजर करना है, ठीक है। तो वोल्टेज हो, करंट हो, तो अलग अलग लिखो जरा, हाँ ठीक है, हाँ, वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, राइट। हाँ, रियोस्टैट तो आपको वो बचपन में देखा हुआ है आपने, रियोस्टैट क्या होता है, जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, राइट, ठीक है। ये अलग अलग डिवाइसेस है, मल्टीमीटर, मल्टीमीटर जो अपन यूज करते हैं, मल्टीमीटर मतलब जिसमें एमीटर, वोल्ट मीटर सब कुछ होता है, ठीक है। तो गाइज सिंपल सी बात है, ठीक है, मैं इसमें ऑर्डर में लिखता हूं, ठीक है, गैल्वेनोमीटर, ठीक है, गैल्वेनोमीटर, उसके बाद कौन सा है, एमीटर, वोल्ट मीटर, ठीक है, ये तीन, और अभी एक नया वाला आएगा, पोटेंशियोमीटर, ठीक है। आपने इसमें कौन सा सुना है गाइस, आपने कौन सा सुना है, आपने यहां पे कौन सा सुना हुआ है, हाँ, फर्स्ट थ्री सुने हुए होंगे आपने, पहले तीन गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, पोटेंशियोमीटर आपने नहीं सुना होगा, ठीक है। हाँ, कुछ लोगों ने सब कुछ सुने, चलो मोक्ष बोलते सब कुछ सुने, कोई दिक्कत नहीं। तो बट बेसिकली ये तीन आपने सुने हुए हैं, ठीक है, ये आपने नहीं सुना है। आपको पता है ये जो है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVIMP, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं ऑफलाइन पढ़ाऊंगा, ठीक है। और मैं यहाँ मतलब ये जो चीज है इसको मैं ऑफलाइन पढ़ाने वाला हूँ। ऑफलाइन मतलब क्या करेंगे, ऑफलाइन में पहले अपने जितने भी ऑफलाइन सर है वो पढ़ाएंगे, ठीक है, निकल ठीक है, इसको मैं ऑफलाइन पढ़ाऊंगा, ठीक है, सब सर के नाम अपने, बाकी सबके सर, और फिर मैं भी आऊंगा जिसमें जो उसका रिविजन होगा, ठीक है। तो अपने को पहले वाला रिविजन कराऊंगा और फिर ऑफलाइन वाला इसका भी रिविजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब अभी जितना भी इस वीक में हो सके, क्योंकि करंट लेसन अभी खत्म हो रहा है, तो इस वीक में दो ही ब्रांचेस में मैं जा सकता हूँ, फिर उसके बाद तो आपका डायरेक्टली ब्रेक है, तो ब्रेक के बाद ही फिर मुझे अलग अलग सेंटर्स पे आना पड़ेगा, बाकी सेंटर्स जो बचे रहेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, पहले आज हम लोग गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर को देख लेते हैं, इन तीन इंस्ट्रूमेंट्स को देख लेते हैं। पोटेंशियोमीटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर सिर्फ बचा रहेगा, ठीक है। चलो, तो अभी यहां पे सब लोग देख लो, सो लेट्स स्टार्ट विथ एकदम सिंपल, सब लोग देखो एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर करता क्या है, ठीक है। तो पहले तो मुझे सारे के सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, सब लोग यहां पे देखो सारे के सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में यहां पे लिख रहा हूं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब जो वोल्टेज को, करंट को, जैसे अपन ने देखा करंट जा रहा है, करंट को मेजर करना, तो करंट को मेजर कौन करेगा, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो थी सिंपल सी बात है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स मतलब क्या भाई, जो मेजर करते किसको, हमको क्या चैप्टर पढ़ रहे, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, तो आइदर करंट को मेजर करेगा या वोल्टेज को मेजर करेगा। वोल्टेज मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, सिंपल सी बात है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है या करंट को मेजर करना है। अब जो सबका मतलब हम लोग बोल सकते हैं इन सबका, ठीक है, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, इसका सबका जो बेस है, बेस जिससे सब कुछ बनता है, मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं एमीटर, वोल्टमीटर एंड पोटेंशियोमीटर, ये सब कुछ बनता है गैल्वेनोमीटर से, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं गैल्वेनोमीटर क्या है, गैल्वेनोमीटर सबका बेस है, जैसे आपको पता है स्केलर वेक्टर हम लोग जो पढ़ रहे थे, हम लोग बोलते थे पाइथागोरस थ्योरम सबका बेस है, वैसे यहाँ पे गैल्वेनोमीटर सबका बेस है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो पहले हम लोग गैल्वेनोमीटर क्या है वो पहले देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर होता क्या है, ठीक है। गाइस गैल्वेनोमीटर एकदम सिंपल सी चीज है, कुछ नहीं होती, कॉइल होती है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर एक कॉइल होती है, जिसको गैल्वेनोमीटर का जो कंस्ट्रक्शन पार्ट है, सब लोग ध्यान से सुनना, गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन पार्ट, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे मैग्नेटिज्म में, उसको हम लोग बोलते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एक होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है, ये मैग्नेटिज्म में आएगा, जिसके अंदर अभी के लिए अपने को क्या करना है पता है, अपने लिए मतलब करंट लेसन हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, अपने लिए सिंपल सी बात है, गैल्वेनोमीटर इस तरीके से लिखता है, जी ऐसा करके सिंबल आता है इसका,
ठीक है, जी जी फॉर गैलोनोमीटर, ठीक है, अभी मेरा नाम भी जी गौरव ही है बट इधर गैलोनोमीटर, ठीक है। तो ये गैलोनोमीटर है और गैलोनोमीटर मुझे होता है कॉइल है, मतलब इसका कंस्ट्रक्शन देखोगे तो आप कंस्ट्रक्शन अभी नहीं देखेंगे बाद में देखेंगे, ऐसा पकड़ लो इस गैलोनोमीटर से ऐसी करंट जाता है, ठीक है, सिर्फ इतना ध्यान में रखना गैलोनोमीटर से करंट जाता है। तो गैलोनोमीटर में एक रीडिंग होता है, आपने देखा है मल्टीमीटर को कभी देखा आपने, जैसी करंट गया ऐसे नीडल ऐसे ऐसे घूमता है, देखा है आपने, जैसी करंट गया नीडल ऐसे घूमता है, ठीक है। एमीटर का भी वोल्टमीटर का भी डिफ्लेक्शन होता है, बिल्कुल, तो नीडल का डिफ्लेक्शन होता है। तो ध्यान में रखना गैलोनोमीटर में जैसी करंट गया, मतलब गैलोनोमीटर का सपोज ये गैलोनोमीटर है, ठीक है, तो यहां पे ऐसे नीडल होगी, ये नीडल क्या करेगी इधर से इधर घूमेगी। तो गैलोनोमीटर में जनरली देखेंगे तो नीडल ऐसे ऐसे बीच में रहती है, ठीक है, ऐसे बीच में गैलोनोमीटर की नीडल है ये ऐसे, ठीक है। सपोज करंट इस डायरेक्शन में गया, सब लोग यहां पे देखो करंट इस डायरेक्शन में गया, ठीक है, जैसे मैं यहां पे देखा, तो नीडल इस तरफ मूव करेगी ऐसे, इधर मूव डेविएट होगी। सपोज करंट इस डायरेक्शन में गया तो कहां पे जाएगा, नीडल कैसे मूव करेगी, इस तरफ मूव करेगी ऐसे, सिंपल सी बात है, ठीक है, टूवर्ड्स लेफ्ट टूवर्ड्स राइट, इतना समझ में, मतलब गैलोनोमीटर। और ये अपना जीरो रीडिंग, मुझे था करंट जीरो है तो क्या होगा, ये वाला जो रीडिंग है, ये वाला जो चीज है, ये वाला जो दिखा दिया है अपन ने, ये जो है ये खुद गैलोनोमीटर का जीरो जीरो मार्क है, दिस इज जीरो, ठीक है, मतलब यहां पे कोई करंट ही नहीं है, करंट की वैल्यू जीरो है, तो गैलोनोमीटर का रीडल ऐसा का ऐसा रहेगा, ठीक है। सो इफ नो करंट इज पासिंग, कुछ नहीं, इसके अंदर का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, पूरा का पूरा स्क्वायर वाला चीज होता है, लूप होता है, ऐसा कॉइल होता है जो मैग्नेटिक मैग्नेटिक के अंदर रहता है, मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, उसके अंदर करंट कैरिंग वायर गया तो मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर गया तो आपको पता है जो जनरेट डीसी जनरेटर मोटर का प्रिंसिपल घूमता है, उस टाइप का कोई कुछ प्रिंसिपल होता है जो मैग्नेटिज्म में हम लोग पढ़ेंगे मूविंग कॉइल कन्वर्टर में। अभी के लिए आपके लिए गैलोनोमीटर एक करंट मेजरिंग डिवाइस है, मतलब जैसे ही करंट गया गैलोनोमीटर का नीडल डिफ्लेक्ट हुआ, करंट गया इस डायरेक्शन में ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ, इधर गया इधर रिफ्लेक्ट हुआ, काम खत्म, सबको समझ में। अब मुझे तो कोई भी कॉइल होती है, मुझे तो कोई भी कुछ कितना भी करंट गया, छोटा सा छोटा करंट भी गया ना, उसका गैलोनोमीटर डिफ्लेक्ट तो करता ही है। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, गैलोनोमीटर एक कॉइल है तो कॉइल का खुद का क्या होता है, आज पूरा का पूरा नीट है, मतलब पूरा का पूरा नीट मतलब क्या, नीट एंड जेईई मेन का लास्ट तक है आज, ठीक है, आज कोई ऐसा एडवांस का लेक्चर नहीं है, नीट एंड वो सब साथ में, ठीक है। मुझे बताओ गैलोमीटर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा ही होगा, हाँ बिल्कुल, तो रेजिस्टेंस होगा, इसका मतलब कभी भी इस मॉडल को ऐसा नहीं दिखते, इसको हम लोग बोलते हैं आइडियल गैलोमीटर, ये हो गया मेरा आइडियल, ठीक है। और एक्चुअल में रियल में क्या होता है, गैलोमीटर रहेगा, ठीक है, उसके साथ साथ एक रेजिस्टेंस रहेगा, इसको हम लोग बोलेंगे आरजी, रेजिस्टेंस ऑफ गैलोनोमीटर, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ गैलोनोमीटर, इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब क्या, कॉइल का रेजिस्टेंस, जो चूंकि गैलोमीटर की कॉइल होगी जिससे करंट जा रहा होगा उसका रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। आइडियल, मुझे होता है आइडियल गैलोमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, ये हो गया रियल गैलोनोमीटर, ये अपना होता है रियल। तो कोई बोल सकता है यहां पे आइडियल गैलोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, जीरो, बराबर, आइडियल गैलोनोमीटर का रेजिस्टेंस, आइडियल के लिए रेजिस्टेंस ऑफ गैलोनोमीटर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी ये जो आरजी होता है ना, मतलब कभी कभी ये जो गैलोनोमीटर का रेजिस्टेंस, उसको जी भी बोलते हैं, मतलब सिर्फ जी का सिंबल भी दिया जाएगा, कुछ कुछ एमएचसीटी के बुक्स में, इवन अपने बोर्ड्स के बुक्स में जी भी दिया गया है, कुछ कुछ बुक्स में जी दिया गया है, पर अपन क्या करेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ गैलोनोमीटर, ठीक है। चलो मुझे होता इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, और मुझे वो तो गैल्वेनोमीटर, ठीक है, अरे कुछ नहीं, आरजी, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, मतलब गैल्वेनोमीटर कॉइल का एक रेजिस्टेंस है, खत्म, उसको आरजी बोलते हैं, कोई दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो गया, उसका सिंबल, मतलब गैल्वेनोमीटर को अपन ड्रॉ थोड़ी करेंगे, ऐसा बड़ा सा डिब्बा आता है सब गैल्वेनोमीटर का, हम लोग थोड़ी उसको कॉइल व्हील ड्रॉ करेंगे, तो ये मॉडल होता है बेसिकली, जैसे बैटरी को हम लोग लिखते हैं ना मॉडल, ऐसा प्लस एंड माइनस वैसे, ठीक है। तो ये डायग्राम दिखा है, मतलब जी फॉर गैलोनोमीटर, काम खत्म, इसमें कुछ नहीं है, तो सिर्फ दिखाने के लिए, राइट, हर एक का अपना अपना सिंबल होता है, वैसे गैलोनोमीटर का ही सिंबल है, बैटरी को कैसे प्लस एंड माइनस ड्रॉ करते हैं, बस काम खत्म, तो ये गैलोनोमीटर का सिंबल है, ठीक है। अब सब लोग सुनो, ये तो हो गया, अब इंपॉर्टेंट चीज मुझे बताओ, आरजी को कम करना है, आरजी को मतलब रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल को कम करना है,
तो अपने को इस तरीके की कॉपर की, एल्यूमिनियम की, स्टील की जो भी कॉइल वो जो यूज करनी पड़ेगी, सिल्वर गोल्ड, जिससे रेजिस्टेंस कम हो जाए। तो वो तो बेसिकली एक्चुअल रियल लाइफ में कभी कम होगा क्या? आरजी का आज का रेजिस्टेंस कभी जीरो होगा क्या रियल लाइफ में? आरजी कभी जीरो हो सकता है क्या रियल लाइफ में? नहीं हो सकता ना, पॉसिबल ही नहीं कि कोई भी आप कॉइल लोगे उसका रेजिस्टेंस जीरो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, तो ये आएगा ही आएगा। तो ये हो गया गैलोनोमीटर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। ठीक है, इसको लिख दो, इसको ड्रॉ कर लो। इसमें ड्रॉ क्या करना, कुछ नहीं इसमें। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, पहला अपना इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे एमीटर। ठीक है, पहला अपना इंस्ट्रूमेंट हम लोग बनाएंगे एमीटर। ठीक है, अब एमीटर बनाने के पहले, ठीक है, एक छोटी सी चीज यहां पे बताना चाहता हूं मैं। गैल्वेनोमीटर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, मैं दो कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहा हूं। ठीक है, गैल्वेनोमीटर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसको हम लोग लिमिटेशन भी बोल सकते हैं। गैल्वेनोमीटर कॉइल को का रेजिस्टेंस, मैंने क्या बोला, रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, बेसिकली बहुत ही कम होना चाहिए। रेजिस्टेंस एक्चुअल में बहुत ही कम होना चाहिए, ठीक है, बट कुछ ना कुछ होता ही है। इट शुड बी लो, इट शुड बी जीरो, बट वो जीरो हो नहीं सकता। ठीक है, अब और पंगा क्या बताया गया, ठीक है, कि गैल्वेनोमीटर कॉइल से जो करंट जाता है ना, करंट बहुत बड़ा करंट गया ना, ठीक है, मतलब ऐसा पकड़ लो एम्पियर टाइप करंट गया गैल्वेनोमीटर कॉइल से, बहुत बड़ा करंट गया, तो गैल्वेनोमीटर कॉइल जो होती है ना वो जल जाती है, मतलब खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान में रखना गैल्वेनोमीटर कॉइल के अंदर से जो करंट जाता है, जिसको इसको मैंने आईजी बोला, आईजी मतलब क्या, जो करंट गैल्वेनोमीटर कॉइल से जा रहा है, गैल्वेनोमीटर से जो करंट जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं आईजी। ठीक है, इस आईजी की वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली इन मिली एम्पियर, ये इन मिली एम्पियर ही होती है, मतलब जो गैल्वेनोमीटर करंट अंदर से जो करंट जाएगा ना वो मिली एम्पियर के अंदर जाएगा, 10 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर, मैक्स टू मैक्स 1 एम्पियर, उससे ज्यादा करंट जा नहीं सकता। क्यों? नहीं तो गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, जल जाएगा। ठीक है, तो मैंने लिखा ना अप्रोक्सीमेटली इन मिली एम्पियर, इट इज ऑलवेज इन मिली एम्पियर, ज्यादा नहीं जाएगा ना, जल जाएगा मतलब खत्म हो जाएगा। तो ध्यान में रखना गैल्वेनोमीटर कॉइल से अपन ज्यादा करंट भेज नहीं सकते। तो मुझे बताओ मैक्सिमम करंट कितना जा सकता है कोई भी गैल्वेनोमीटर कॉइल का, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कितना मैक्सिमम करंट जा सकता है कोई भी गैल्वेनोमीटर कॉइल का, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कॉइल किसकी बनी है ना, कॉपर की बनी है, एल्यूमिनियम की बनी है, किसी और की बनी है, बराबर की नहीं? अब ऐसा मत बोलो 1 एम्पियर, वो डिपेंड्स ऑन मटेरियल, ये डिपेंड करेगा मटेरियल के ऊपर, जो भी मटेरियल से बना होगा भाई उसका जो लिमिटेशन होगा उतना ही तो होगा। ठीक है, वो वायर का मटेरियल के ऊपर डिपेंड होगा, जिसका मैंने बोला जनरली मिली एम्पियर्स में होती है। अब सीन क्या होता है, अपन उसको एक नाम देंगे फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। ठीक है, आईजी की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैंने बोला आईजी की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम लोग बोलेंगे नहीं ऐसे कि गैल्वेनोमीटर की जो मैक्सिमम करंट कितना जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। क्या बोला मैंने? फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। ये क्या हो जाएगा? आईजी की मैक्सिमम वैल्यू, जैसे फुल लेंथ पार्थ ने लिखा फुल लेंथ जैसे टेस्ट होती है अपनी, वैसे फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। ठीक है, मतलब मैक्सिमम कितना करंट होगा, तो आईजी मैक्सिमम को हम लोग फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट बोलते हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बोल सकते अपन, कुछ टर्मिनोलॉजीज, मतलब ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे भाई, आप नाम दो इसको, कुछ आप ही खुद नाम दे दो इसको। ठीक है, तो गाइज हम लोग प्रॉपर्टीज या पॉइंट्स टू बी नोटेड। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स टू बी नोटेड इन गैल्वेनोमीटर। ठीक है, पॉइंट्स टू रिमेंबर होते ना, वैसे पॉइंट्स टू रिमेंबर डाल दो, चलो अच्छा लिखता है, पॉइंट्स टू रिमेंबर, देखो हाई फाई नाम लिखता है। ठीक है, तो पॉइंट्स टू रिमेंबर में ये चीजें दिमाग में रखना है, इसके अंदर का जो करंट होता है इट इज इन ऑलवेज इन मिली एम्पियर। ठीक है, और करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है जिसको हम लोग बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। कोई दिक्कत है इसमें बताओ मुझे अभी, और आरजी की वैल्यू हम लोग मिनिमम टू मिनिमम रखने की कोशिश करेंगे, मतलब विल ट्राई टू कीप इट लेस देन, ठीक है, 100 ओम, विल ट्राई टू कीप इट लेस देन 100 ओम, उससे ज्यादा हम लोग बढ़ाएंगे नहीं, तो खाली फुकट
इसकी तो 0 ओम होनी चाहिए, बट विल ट्राई टू कीप इट लेस देन 100 ओम। ठीक है, एक मिनट जरा, कोई तो आया है मेरे को देखने दो, पहले इतना लिख दो। नहीं नहीं सुनील सर नहीं, वो तो थर्सडे को आते हैं ना। ठीक है, श्रेया ने लिखा सर कुक आतिफ सर या सुनील सर, नहीं तीनों नहीं थे आज। आतिफ सर भी है, आतिफ सर आज आराम से लेटे हुए जरा। ठीक है चलो गाइस, यहाँ पे देख लो, ये हो गया। अरे ये हो गया क्या, पहले बताओ, गैलोनोमीटर हो गया सबको, सब ठीक है। चलो आगे आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नहीं पार्टी वेटी नहीं, अभी अभी आजकल कहाँ पे पार्टी करते हैं हम लोग, पार्टी बंद है आजकल, गर्मी में कौन पार्टी करेगा यार। देखो उम्र हो गया बोलते, क्या बोलने का, उम्र नहीं हुआ। हाँ हाँ ठीक है श्रेय, हाँ ये सही बोला मिताल, सही बोला भाई, उम्र हो गई तो पार्टी नहीं कर सकते क्या भाई, पार्टी तो कभी भी कर सकते हैं, जितने में पार्टी करनी है भाई, अभी पार्टी करोगे बाद में, कुछ लोग तो अभी पार्टी कर रहे हैं। मैंने सुना नासिक में टूर्नामेंट हुई, मुझे पता है नासिक में टूर्नामेंट हुई। अरे अपने को क्रिकेट नहीं आता यार खेलने, क्रिकेट मतलब बहुत बचपन में खेलते थे, अभी हाँ वो भी एक मैच रखेंगे थोड़ा सा बाद में, इधर भी मैच रख देंगे, सब जगह मैच रखेंगे। ठीक है अपन क्या करेंगे ना, मुंबई वर्सेस औरंगाबाद, मुंबई वर्सेस नासिक, नासिक वर्सेस औरंगाबाद, ऐसा ऐसा कुछ कुछ रखेंगे अपन। अब यहां पे देखो, फिर देखेंगे कौन सी टीम जीतती है, दोनों दोनों फुटबॉल और क्रिकेट दोनों। अब यहां पे देखो गाइस, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है रखेंगे रखेंगे कौस्तुभ। अब यहां पे देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अभी मुझे एक बात बताओ, कोई बोल रहा है सर ये जी क्यों लिखते हैं गैलोनोमीटर में, मुझे एक बात बताओ, गैलोनोमीटर का कॉइल है, कोई किसी ने बोला गैलोनोमीटर मुझे दिखाना है, अब क्या ड्रॉ तो नहीं करने वाला गैलोनोमीटर। अब मैंने आपको सिंपल बोला, मैंने आपको बोला देखो ये रेजिस्टेंस है, अब कोई बोलेगा सर एक्चुअल में यही काफी है, गैलोनोमीटर के अंदर क्या होता है रेजिस्टेंस होता है, यही काफी, तो मुझे तो इतना ही काफी है, ये रेजिस्टेंस आरजी मैंने लिख दिया काफी है, बट क्या होता है ना अपने को समझ में आना चाहिए कि बाबा ये जो रेजिस्टेंस है गैलोनोमीटर का, इसीलिए इसके ऊपर एक सर्कल लगा देते हैं बस, तो ऐसा ध्यान में रखना ये सर्कल का कुछ काम नहीं है। बेसिकली जब मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूं, ये ए और बी पॉइंट के अंदर जब मैं ड्रॉ करता हूं, तो ध्यान में रखना ये सर्कल मतलब कुछ नहीं, रिप्रेजेंटेशन है वो, मतलब इसका मतलब ये जो रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का है ये दिखाने के लिए, समझ में आया। तो कभी भी जी ड्रॉ करूंगा इसका कुछ काम नहीं होता, मतलब ये रेजिस्टेंस किसका है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है इसमें। ठीक है अब मुझे बताओ, अब एक सिंपल सा चीज, ठीक है एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपको सबको, ठीक है सब लोग सुन, बचपन में रेजिस्टेंस है, यहां पे देखो रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस दिया है लेट्स से 10 ओम का, और यहां पे सुनो, यहां पे एक बैटरी दी है, ठीक है मैंने एक बैटरी दी है लेट्स से 20 वोल्ट, तो मुझे होता है इसका करंट कितना होगा, इसमें करंट कितना होगा, रेजिस्टेंस 10 ओम का बैटरी 20 वोल्ट की, करंट कितना होगा, 2 एम्पियर करंट होगा, ठीक है 2 एम्पियर करंट। अब मुझे था 2 एम्पियर करंट आपने कैसे निकाला, थ्योरेटिकली या प्रैक्टिकली, आपने जो करंट निकाला है 2 एम्पियर किससे निकाला, 20 बाय 10 कितना,
थियोरेटिकली निकालना ना, मतलब वी इज इक्वल टू आई आर बी आर लगा के आई इज इक्वल टू वी बाय आर कर लिया 20/10, तो मेरा करंट आया थियोरेटिकली कितना आया, ठीक है, तो थ्योरी के हिसाब से मेरा करंट कितना आना चाहिए, I is equal to V by R. V by R की वैल्यू कितनी है 20/10, which is equal to कितना 2 एम्पियर. तो मेरा करंट कितना आना चाहिए, 2 एम्पियर आना चाहिए. बट मुझे एक बात बताओ, 2 एम्पियर करंट आने के लिए, मतलब ये तो थियोरेटिकली हुआ, प्रैक्टिकली अपने को मेजर करना है कि एग्जैक्टली सर्किट में करंट कितना है, तो आप क्या डालते हो इस सर्किट के अंदर, क्या डालते हो, सपोज प्रैक्टिकली इसको मेजर करना है तो अपन इसके अंदर क्या डालते हैं, एमीटर डालते हैं. अब ध्यान में रखना एमीटर नाम की कोई चीज होती नहीं है. मैंने क्या बोला, सबका बेस कौन है, सबका बेस कौन है, सबका जो बेस है वो कौन है, गैल्वेनोमीटर. सबका बेस कौन है, गैल्वेनोमीटर है. गैल्वेनोमीटर मतलब क्या, एक कोई कॉइल लगी रहेगी मैग्नेटिक फील्ड में रही रहेगी, मतलब दोनों मैग्नेट होते हैं, कॉइल रहती है, उसके अंदर से करंट जाता है, अपना मैग्नेट अपना गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, और वो नीडल डिफ्लेक्ट करता है. तो एक्चुअल में अपना एमीटर कुछ नाम की चीज होती नहीं है, गैल्वेनोमीटर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है. अपन ने अभी क्या पढ़ा है, गैल्वेनोमीटर. अब किसी ने बोला चलो गैल्वेनोमीटर को यूज करते हैं, गैल्वेनोमीटर को यूज करते हैं इस करंट को मेजर करने के लिए, ठीक है. तो देखो यहां पे क्या कर दिया मैंने, क्या कर दिया, सीधा यहां पे एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया. सब लोग यहां पे देखो, मैंने यहां पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया. तो मुझे तो गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या है, गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या होता है गाइस, कभी भी गैल्वेनोमीटर लगाया जब, तो इसके अंदर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है कि नहीं, गैल्वेनोमीटर का एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, आरजी होता है. तो सपोज इफ आई यूज गैल्वेनोमीटर, बट गैल्वेनोमीटर किसमें यूज करना पड़ेगा, सीरीज में यूज करना पड़ेगा, क्योंकि सेमी करंट जाना चाहिए, जो करंट 10 ओम से जाना चाहिए वही तो इधर से जाना चाहिए. तो मुझे बताओ एग्जैक्ट आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर करंट यहां पे आने के लिए आरजी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2 एम्पियर करंट होने के लिए आरजी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए. अभी थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि आरजी की वैल्यू 0 होनी चाहिए, कुछ भी, बट आरजी की वैल्यू 0 हो सकती है क्या, कोई भी हम लोग जो यूज करते हैं, कभी भी गैल्वेनोमीटर जो यूज करते हैं उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है. अब मुझे बताओ सपोज मैंने आरजी की वैल्यू लिखी, यहां पे मैंने आरजी की वैल्यू लिखी लेट्स से 90 ओम, ठीक है, एक ऐसा गैल्वेनोमीटर लिया मैंने इसकी वैल्यू कितने, करंट की वैल्यू कितनी 90 ओम है. तो अब मुझे बताओ करंट कितना हुआ यहाँ पे. अब जो करंट मैंने मेजर किया आफ्टर गैल्वेनोमीटर का करंट जो आया, नया करंट, उसकी वैल्यू कितनी आई, अरे अच्छे से देखो, 20V/R रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस कितना, 90 प्लस 10 मतलब कितना हुआ 100, 20/100 कितना हुआ 0.2 एम्पियर. अब मुझे तो 0.2 एम्पियर एक्चुअली करंट कितना आना चाहिए. अब जो मैंने मेजर किया, ये करंट मैंने मेजर किया, ठीक है, तो मेजर्ड करंट कितना आया, 0.2 एम्पियर आया. मेरे को कितना आना चाहिए था, एक्चुअल आंसर कितना है, एक्चुअल आंसर कितना है 2 एम्पियर. इतना बड़ा क्या हो गया बताओ मुझे, इतना बड़ा यहां पे क्या प्रॉब्लम हुआ, कोई बोल सकता है क्या हुआ डायन, इतना बड़ा एरर आया भाई, एरर. कोई बोलेगा सर एरर कितना आया, तो 2 - 0.2 1.8 एम्पियर का एरर आ गया, ठीक है, गैल्वेनोमीटर ने वो एरर दिया. मतलब मुझे एक बात बताओ, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम लोग गैल्वेनोमीटर ऐसे यूज कर रहे हैं उसने डायरेक्टली अपने को एरर दिया बड़ा सा. कितना परसेंटेज एरर दिया, तो ये माइनस ए डिवाइड बाय 2 कर लो, इतना बड़ा एरर दे दिया, 1.8 / 2 × 100, ठीक है, इतना बड़ा एरर दे दिया भाई. आप सोचो इतना एरर किसने दिया, गैल्वेनोमीटर ने दिया. तो मुझे बताओ गैल्वेनोमीटर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं क्या, कैन यू यूज गैल्वेनोमीटर टू मेजर करंट, कैन यू यूज गैल्वेनोमीटर डायरेक्टली टू मेजर करंट, नहीं यूज कर सकते ना. हाँ, रेजिस्टेंस 0 होता तो कर सकते थे, क्या कम होता तो कर सकते, बताओ मुझे भाई, इसका रेजिस्टेंस कम होता तो कर सकते थे, लेकिन कॉइल का रेजिस्टेंस अपने हाथ में होता है क्या, मटेरियल. मुझे तो मैंने सिल्वर यूज किया, चलो मैंने सिल्वर यूज किया, और सिल्वर कहीं से भी लाओ सिल्वर का रेजिस्टेंस होगा ही होगा, राइट. यू कांट यूज आइडियल गैल्वेनोमीटर, देखो आइडियल गैल्वेनोमीटर नाम की कोई चीज तो होती नहीं है, ठीक है, बराबर की नहीं. तो क्या करेंगे, चलो क्या करेंगे, मुझे बताओ गैल्वेनोमीटर अपने को एमीटर. अब मुझे बताओ, अब मैं जो बनाने जा रहा हूं, सब लोग देखो, मुझे गैल्वेनोमीटर को यूज करना है. अब मैंने क्या बोला, मेरे पास तो एक ही डिवाइस है गैल्वेनोमीटर, जिसको यूज करना है मुझे, और मुझे करंट को मेजर भी करना है, तो मैं क्या करूंगा. तो इसके लिए सबसे पहली चीज, रेजिस्टेंस को कम करना है,
ठीक है, रेजिस्टेंस को कम करना है, लेकिन नेचुरली जितना भी पॉसिबल हो सकता है सिल्वर या गोल्ड या जो भी कोई एक मटेरियल मैं ढूंढ के ऐसा लाऊंगा जिसका मटेरियल सबसे कम हो, चलो लेकिन उतना तो रहेगा ही रहेगा, राइट। यस, कृष्णा ने सही बोला। एक और तरीका होता है रेजिस्टेंस को कम करने का, कोई बोल सकता है? कोई भी रेजिस्टेंस, जैसे गैल्वेनोमीटर है, देखो ये गैल्वेनोमीटर है ए बी, और इस गैल्वेनोमीटर मतलब देखो मैं डायरेक्टली आरजी लिख देता हूं, रेजिस्टेंस है आरजी, ठीक है। अब समझ जाओ गैल्वेनोमीटर है, मुझे होता है इस रेजिस्टेंस को कम किया कैसे जाए, कैसे कम किया जाए, मैंने बोला ये आरजी की वैल्यू है 100 ओम, ठीक है, जो कुछ नहीं कर सकते। आपको पता है हम लोग क्या करते थे, कभी भी रेजिस्टेंस को कम करना है क्या करते हैं हम लोग, हमेशा अप्लाई एक नया रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस पैरल, गाइस एक पैरल में ऐसा रेजिस्टेंस लगा दो। आपको पता है क्या, कभी भी जीवन में आपको एक चीज पता होनी चाहिए, ठीक है, जो कैलकुलेशन में यहां पे करके दिखाऊंगा, ठीक है, आपने 1000 ओम के साथ 1 ओम रेजिस्टेंस पैरल में लगाया, आपको पता है इसका आर इक्विवेलेंट कितना है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, आपको पता है आर इक्विवेलेंट कितना होगा इसका, 1000 ओम के साथ 1 ओम रेजिस्टेंस आपने पैरल लगाया तो इसका जो आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है इट इज ऑलवेज लेस देन द मिनिमम बिटवीन टू, मतलब इट इज लेस देन 1 ओम, इट विल ऑलवेज बी लेस देन 1 ओम। आप कैलकुलेट करके देखो, इट विल बी 1001 डिवाइड बाय 1000, अरे 1001 नहीं सॉरी उल्टा, 1000 डिवाइड बाय 1001, इसका जो आर इक्विवेलेंट आएगा आप इसमें कैलकुलेट करके देखोगे तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी 1000 डिवाइड बाय 1001 व्हिच इज लेस देन क्या हो गया 1 ओम। समझ में आ रहा है क्या? कभी भी ध्यान में रखना, कोई भी रेजिस्टेंस हो, मतलब सपोज मैंने लिखा यहाँ पे 0.1 ओम लगाया, मैंने 0.1 ओम लगाया, लेट्स से मैंने लगाया ये कुछ 2000 के साथ, 2000 ओम के साथ 0.1 ओम लगाया तो मुझे होता इसका जो आर इक्विवेलेंट आएगा किससे कम होगा 0.1 ओम से कम होगा। ये समझ में, ये मतलब आप थोड़ा सा कैलकुलेट करके देख लो, 1 बाय इक्विवेलेंट इज 1 बाय 2000 प्लस 1 बाय 0.1, आप सब कैलकुलेट करके देख लो, इट विल ऑलवेज बी लेस देन 0.1। तो मुझे तो सबसे सिंपल तरीका क्या है, अरे भाई मुझे होता सबसे सिंपल तरीका क्या है, अरे विस्तरण मत करो सिद्धेश, अब से पहले यहां पे देखो, ठीक है, पहले यहां पे देखो, आरजी को कम करने का सबसे सिंपल तरीका होता है आरजी के पैरल में क्या लगाओ, आरजी के पैरल में क्या लगाओ, एक 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 पैरल रेजिस्टेंस लगाओ, एक रेजिस्टेंस लगाओ जिसकी वैल्यू कम हो, छोटा रेजिस्टेंस हो, उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए ना भाई, इसी रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं गाइस आर शंट, क्या बोलते हैं इसको, शंट रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस। और मुझे होता है इसकी वैल्यू मैंने सपोज 0.1 कर ली, मैंने बोला इसकी 0.1 ओम कर ली, तो मुझे होता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना होगा बताओ, अरे इन दोनों का कम, मुझे होता है इन दोनों का रेजिस्टेंस कितना होगा, लेस देन क्या हो जाएगा, लेस देन 0.1 ओम हो जाएगा, काम खत्म हो गया ना। हाँ ध्यान में रखना ये जो रेजिस्टेंस है, अब मैं अपना वो भूलता नहीं हूं, मैं इसको बोल दूंगा, चलो ये जो चीज है ये अपनी गैल्वेनोमीटर थी, तो मैं यहाँ पे अपना बना के रखता हूँ गैल्वेनोमीटर, दिस इज गैल्वेनोमीटर, तो पूरे गैल्वेनोमीटर के पैरल में मैंने एक रेजिस्टेंस लगाया विच इज कॉल्ड शंट रेजिस्टेंस, जिसकी वैल्यू हमारे हाथ में है, मैं कोई ऐसे चीज यूज कर लूंगा जिसका रेजिस्टेंस कम हो तो ये पूरा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। आपको ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अब मुझे बताओ, मैंने और एक चीज बताई थी जिंदगी में, आपको याद होगा तो, ठीक है, मुझे पता नहीं है याद है कि नहीं आपको, ठीक है, दो चीजें मैंने बताई थी, कोई भी एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, एंड मुझे बताओ कोई करंट आ रहा है, ठीक है, मैंने बोला यहाँ पे एक 10 एम्पियर करंट आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे 100 ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 1 ओम रेजिस्टेंस है, मुझे बताओ मैक्सिमम करंट कहां से पास होगा, मैक्सिमम करंट विल पास थ्रू वेयर, हमें वो दिखाऊंगा, पहले यहाँ पे बताओ मुझे, 10 एम्पियर करंट है, 1 ओम 100 ओम, मैक्सिमम करंट विल पास थ्रू द शॉर्टेस्ट द लो रेजिस्टेंस पाथ, ऑलवेज द करंट फ्लोज थ्रू क्या, करंट ऑलवेज फ्लोज थ्रू क्या, लो रेजिस्टेंस पाथ। तो आपको पता है ना, मेरे किसी ने बोला कि ये करंट I1 की वैल्यू कितनी है, तो करंट I1 की वैल्यू कितनी अपन लेते हैं, 10 एम्पियर करंट, याद है 10 × 100 डिवाइड बाय क्या, 100 + 1 101, याद है क्या,
तो रेजिस्ट करंट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम, मतलब 9 पॉइंट इधर कितना आंसर है देखो, 100/101 × 10 कितना होता है देखो जरा, एग्जैक्ट बताओ मुझे कितना होता है इसका, मतलब 1000/101 कितना होता है, 9 पॉइंट, 9 पॉइंट कितना, अरे 9.9, ठीक है। अब वो 9 पॉइंट एग्जैक्टली देख लो आप लोग कितना है, चलो 9.9, ठीक है। अपन एक इंजर 9.9 एम्पियर करंट, गाइस 9.9 एम्पियर करंट फ्लोस थ्रू दिस एंड बिचारा 0.1 एम्पियर करंट फ्लोस थ्रू 100 ओम। आप समझ में आ रहा है आपको, आपको समझ में आ रहा है? तो मुझे बताओ, अब थोड़ा सा याद करो, गैलोनोमीटर का क्या कैरेक्टरिस्टिक से याद करो, गैलोनोमीटर के कॉइल से अपने को हमेशा कितना करंट भेजना है, बहुत ही कम करंट भेजना है कि नहीं? मैंने आपको बोला था ना, गैलोनोमीटर के कॉइल जो होती है, जिससे गैलोनोमीटर कॉइल बनता है, जो अपन मैन्युफैक्चरिंग में देखेंगे, गैलोनोमीटर कॉइल से हमेशा अपने को लो करंट भेजना होता है, ज्यादा करंट तो भेजना ही नहीं है, ये तो गैलोनोमीटर कॉइल अपनी डूब जाएगी, ठीक है। ज्यादा करंट बिल्कुल नहीं भेजना है, तो ज्यादा करंट सपोज नहीं भेजना है तो मैक्सिमम करंट गैलोनोमीटर कॉइल से नहीं जाना चाहिए, मतलब ये रेजिस्टेंस नहीं तो बर्न हो जाएगा, ठीक है। मतलब फुल स्केल डिफ्लेशन करंट क्योंकि बहुत ही कम है, कुछ मिली एम्पियर्स में होता है। तो अब मुझे बताओ, जैसे ही शंट रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है, और यहां पे मैं लिख देता हूं वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, ठीक है, कंपेयर टू क्या, कंपेयर टू अपना गैलोमीटर रेजिस्टेंस, तो मुझे तो मैक्सिमम करंट कहां से पास होने वाला, मतलब यहां पे कोई भी करंट होगा सो मैक्सिमम करंट विल पास थ्रू वेयर, आर शंट, ठीक है, तो ध्यान में रखना। तो बेसिकली यहां से मैं बोलूंगा ये मेरा शंट शंट करंट होगा और ये मेरा गैलोनोमीटर करंट होगा, तो हु इज मोर, गैलोनो शंट शंट करंट इज मोर देन गैलोनोमीटर करंट, ये आपको समझ में आ रहा है क्या, करंट थ्रू शंट इज मोर देन गैलोनोमीटर, बच गया कि नहीं भाई, बच गया ना, अपना एमीटर भी बच जाएगा, मतलब सॉरी गैलोमीटर भी बच जाएगा अपना, तो वेरी स्मॉल करंट विल पास थ्रू गैलोनोमीटर एंड ह्यूज करंट विल पास थ्रू शंट। इतना मुझे होता समझ में आया तुमको, इतना समझ में आया, वेरी स्मॉल करंट विल पास थ्रू गैलोनोमीटर एंड वेरी ह्यूज करंट विल पास थ्रू शंट, कितना होगा वो करंट, कोई बोलेगा सर वो करंट की वैल्यू कितनी है, तो फटाफट निकाल सकते हो, फॉर्मूला पता है, आई शंट का वैल्यू क्या है, आई शंट का वैल्यू क्या है, आई इंटू आर जी डिवाइड बाय आर एस प्लस आर जी, ये सबको समझ में आ रहा है? और किसने बोला सर कैलोमीटर करंट कितना होगा, आईजी की वैल्यू कितनी होगी, आई इंटू क्या, आर एस, ये तो अपन ने बचपन में किया हुआ है ना, बचपन में मतलब क्या, मैंने सिखाया हुआ है राइट कि नहीं गाइस, ये मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया है बताओ मुझे जरा डायरेक्टली, ये हमने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया है? आपको पता है पहली बात, गैलोनोमीटर रेजिस्टेंस के साथ जब शंट जोड़ते हैं तो ये जो असेंबली बनती है, जो पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर जो बन रहा है दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, एमिटर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है, एमिटर बोलते हैं इसको, सिंपल है देखो, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो आपका हेडिंग डाल दो एमिटर, इसमें नीचे ऊपर हेड डाल दो एमिटर, एमिटर का मतलब क्या है, यही जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा नोट डाउन कर लो, गैलोनोमीटर के साथ एक शंट रेजिस्टेंस लगा दो पैरल में जिसकी वैल्यू बहुत छोटी होगी, तो बेसिकली क्या बन जाएगा, एक जो ये स्ट्रक्चर बन गया उसको हम लोग बोलते हैं एमीटर, ठीक है, जिसके फायदे हो जाएंगे कि अपना रेजिस्टेंस भी छोटा हो गया, रेजिस्टेंस बहुत ही छोटा हो गया, तो मैंने इस चीज यहाँ पे बताई है, और मैक्सिमम करंट विल पास थ्रू शंट, ठीक है। अब मैं इसको वापस एक बार एक्सप्लेन करूंगा, उसके पहले आप लिख लो फिर एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, आप लोग लिख लो फिर एक्सप्लेन करता हूँ, सब लोग गए,
पहले आप लोग लिखो, फिर मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ क्विकली, ठीक है? गाइस लिख के हो गया आपका? अरे मुझे तो पहले लिख के हो गया क्या? ठीक है, तो सब सब लोग पहले यहाँ पे सब लोग एकदम क्विक सब लोग यहाँ पे देखो, ठीक है? जुई जुई सब लोग जुई, तेरा भी कुछ क्वेश्चन है, ठीक है? वोल्ट मीटर बताऊंगा, सब लोग यहाँ पे देखो, ठीक है? पहले आप देखो, मैं अभी तक कुछ बताया नहीं ना, मैं आपको पहले एकदम सिंपल चीज, ठीक है, इसको यूज करेंगे पहले, यहां पे देखो, यूज करने के पहले क्या बोला मैंने, एकदम सिंपल क्या बोला मैंने अब तक, मैंने क्या बोला, एक गैल्वेनोमीटर को किया यूज मैंने, एक गैल्वेनोमीटर है तो ये हो गया गैल्वेनोमीटर, सब लोग यहां पे देखो, गैल्वेनोमीटर मतलब जी, और ये रेजिस्टेंस, ठीक है, इसका कॉइल का रेजिस्टेंस। अब ये अपने को चाहिए ही चाहिए, क्योंकि कॉइल बहुत जरूरी होती है घूमने के लिए, वो डिफ्लेक्शन वगैरह करने के लिए, उसका सब कुछ मैग्नेटिज्म पार्ट आएगा, मैग्नेटिज्म में बताया दिया जाएगा आपको, ठीक है? तो मैग्नेटिज्म में आपको बता दिया जाएगा कैसे वो करंट इधर उधर होता है, ठीक है, और कैसे वो कॉइल के अंदर से करंट जाता है, फिर मैग्नेटिक फोर्स, फिर टॉर्क आता है, फिर उसको कॉइल को घुमाता है, डिफ्लेक्ट होता है, जो भी है, ठीक है? तो ये तो अपने को जरूरी है ही है, मतलब इससे कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? अब ये जो इतना मैंने जो ड्रॉ किया है, इसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनोमीटर, ठीक है? ये हो गया मेरा गैल्वेनोमीटर, इतना देख लिया अपन ने। गैल्वेनोमीटर को सीरीज में यूज कर सकते हैं क्या करंट को मेजर करने के लिए? नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ये रेजिस्टेंस इतना बड़ा हो जाएगा, सर्किट की हालत खराब कर देगा, सर्किट की हालत खराब कर सकता है। इसीलिए हमने क्या किया, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस डाला, ठीक है? ध्यान में रखना, जी का कुछ मतलब नहीं है, ऐसे ही है, वो तो सिंबल है, एक रेजिस्टेंस है आप ऐसा बोलो। ये रेजिस्टेंस जो डाला हुआ है, इसको हम लोग बोलेंगे शंट रेजिस्टेंस पैरेलल में, ठीक है? ये शंट रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, आरएस। और शंट रेजिस्टेंस मैंने उसकी वैल्यू बहुत ही कम रखी, और इस शंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू रखी मैंने गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस से कम रखी, तो इसका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा वो बहुत कम आया, और इसी असेंबली को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, एमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमीटर, ठीक है? ये एमीटर बन गया। तो पहले मुझे बताओ, जब मैं बोलूंगा एमीटर, ठीक है, तो अब इससे पूरा का पूरा एमीटर कैसे हो गया, तो एमीटर का मतलब सिंबल जो बन गया, ये बन गया एमीटर, और इसके बाजू में एक रेजिस्टेंस बन गया। तो मुझे होता है जो रेजिस्टेंस है वो बेसिकली किसका कॉम्बिनेशन है, किसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ये बेसिकली आर इक्विवेलेंट है कि नहीं? अरे शंट एंड आरजी, शंट रेजिस्टेंस एंड गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, ये आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है, 1 बाय आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है, 1 बाय आरजी प्लस 1 बाय आरएस, शंट आरएस बोल लेता हूं मैं, तो मेरा जो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या हो गया, RG into RS divide by RG plus RS। ये सबको समझ में आया क्या, बताओ? तो ये पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन है, इसका यूज कैसे करना है बताऊंगा, पहले मुझे तो इतना समझ में आया। ये मेरा पूरा बन गया एमीटर, और एमीटर के साथ ये R equivalent resistance, इतना समझ में आया, इतना पहले लिख दो, ये एमीटर हो गया। तो ध्यान में रखना, जब मैं एमीटर बोलता हूं तो एमीटर के अंदर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर, क्योंकि सबका बेस कौन है, गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर सबका बेस है, तो गैल्वेनोमीटर तो यूज होने ही वाला है, उसके साथ साथ शंट रेजिस्टेंस को लगा के अपन ये लगा देते हैं, ठीक है?
अब मैं क्वेश्चन दूंगा तो आपको समझ में आएगा, टेंशन मत लो, आपको समझ में आएगा इसका यूज क्या है, ठीक है। अब इसमें दो टर्म और आने वाले, सब लोग यहां पे देखो, दो टर्म और आने वाले, ठीक है, सब लोग यहां पे देखो, मैंने एक टर्म बोला था। मुझे बताओ जो मैक्सिमम करंट, इससे ज्यादा करंट सपोज गया तो गैलेंडर जल जाता है, पता है उसको क्या बोलते हैं? मुझे बताओ जो मैक्सिमम करंट जो इससे पास होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उससे ज्यादा गैलेंडर से करंट गया तो खत्म, उसको हम लोग बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। याद है ना, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, फुल स्केल मतलब ये खत्म हो जाएगा भाई, जल जाएगा, मतलब उसकी कॉइल जो बंद हो जाएगी, टूट जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे बताओ जो गैल्वेनोमीटर से फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट जब जाता है, ठीक है, ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट गया, ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट सपोज है, तब मुझे बताओ यहां से जो करंट जा रहा है एमीटर से, ये एमीटर के अंदर करंट घुसने वाला है ना, ये आई इज द करंट थ्रू एमीटर, जिसका आईजी पार्ट ये हो गया, तो मुझे बताओ ये आई की कौन सी वैल्यू होगी? फिर ये आई की कौन सी वैल्यू होगी? मैक्सिमम वैल्यू होगी कि नहीं? इससे ज्यादा आई जा सकता है क्या? इससे ज्यादा आई जा सकता है क्या? नहीं जा सकता ना। फिर उससे देखो, आई की वैल्यू बढ़ी तो आईजी की वैल्यू बढ़ेगी ना, सिंपल सी बात है। मैंने आई की वैल्यू बढ़ाते गया तो आईजी की वैल्यू भी बढ़ेगी, बट मैंने क्या बोला, आईजी की फुल स्केल डिफ्लेक्शन, मतलब यहां से फुल स्केल करंट जा रहा है, इससे ज्यादा जा नहीं सकता। तो तब जो आई की वैल्यू होगी, तब जो आई की वैल्यू होती है उसको एक नया नाम बोलते हैं हम लोग, रेंज ऑफ एन एमिटर, रेंज ऑफ एन एमिटर। आपको समझ में आ रहा है? रेंज ऑफ एन एमिटर, जैसे हम लोग ने इसको बोला फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, वैसे एमिटर की भी रेंज होती है, उससे ज्यादा करंट एमिटर भी नहीं ले सकता, रेंज ऑफ एन एमिटर। अब जो भी मैंने आपको सब कुछ बताया ना, इसके मैं एक छोटे छोटे एक दो एग्जांपल देता हूं तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज रेंज, व्हाट इज फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। पहले टर्मिनोलॉजी सबको समझ में आनी चाहिए, ठीक है, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट एंड रेंज ऑफ एन एमिटर। सबको इतने टर्म समझ में, दिमाग में टर्म्स तो आ गया एटलीस्ट। अब इसके ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं नीट में भी, जेई मेन में भी, जेई एडवांस में भी, ठीक है, बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, ये करना जरूरी है, ठीक है गाइस। नहीं, पहले इतना लिखो यार, पहले लिखो आईएस क्या होता है, पहले ये कर लो, सबको समझ में आया? रेंज वाला नहीं समझा समझेगा, ठीक है, इतना पहले लिख के रखो। चलो अभी क्वेश्चंस करते तो क्वेश्चंस से समझ में आएगा, अब मैं क्वेश्चन कर देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, आपको पूरा का पूरा गैल्वेनोमीटर का काम भी समझ में आएगा, एमीटर का काम भी समझ में आएगा, ठीक है, उस तरीके से मैं क्वेश्चंस दूंगा आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रीवियस स्लाइड की भी जरूरत नहीं, ये स्लाइड की जरूरत नहीं है, तो मैंने ऐसे ही लिखा था, इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है, ये आपका लिख के हो गया, राइट, ये तो आपको समझाने के लिए लिखा था मैंने, ये तो आपका हो चुका है, ठीक है, ये तो मतलब ये पूरा का पूरा इसको एमीटर बोलते हैं एंड दिस इज माय आर इक्विवेलेंट, ठीक है। अब आगे बढ़ते थोड़ा सा, गाइस सब लोग थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं, यहां पे देख लो, खत्म हो चुका है यहां पे, एक मिनट, सॉरी गाइस, डुप्लीकेट कर दिया मैंने, एक मिनट, कुछ बल्ब वाले क्वेश्चन, पावर वाले क्वेश्चन मैंने नहीं किए जो अपने ऑफलाइन विजिट्स में होंगे, ठीक है। पहले यहाँ पे सब लोग देख लेना, एमिटर का चीज थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, मैं एक दो एग्जांपल देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। एग्जांपल वन सब लोग देखो, यहाँ पे मैं दो एग्जांपल को ड्रॉ कर रहा हूँ, सब लोग यहाँ पे सुन लो, ठीक है। एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है लेट्स से 200 ओम, ठीक है, और ये 400 वोल्ट है, ठीक है, सब लोग यहां पे देखो। एग्जाम्पल टू, रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसकी वैल्यू है 2 ओम,
100 वोल्ट रेजिस्टेंस है, तो मुझे होता है इसमें करंट कितना है, इसमें करंट कितना है, दोनों में करंट कितना है, पहले इसमें करंट कितना है 400 वोल्ट डिवाइड बाय 200 ओम, कितना है यहां पे 2 एम्पीयर, इधर 2 एम्पीयर करंट, इधर कितना एम्पीयर करंट। कोई बोलेगा सर यहां पे पहले तो करंट आएगा 2 एम्पीयर, यहां पे आएगा 50 एम्पीयर, ठीक है इतना करंट है, ठीक है। पहले तो मुझे तो डायरेक्टली गैलोनोमीटर यूज किया मैंने, चलो एक मैंने गैलोनोमीटर दिया है, सब लोग यहां दोनों एग्जांपल में गैलोनोमीटर मैंने दिया हुआ है, गैलोनोमीटर दिया हुआ है ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस यहां पे दिया है, लेट्स से गैलोनोमीटर का रेजिस्टेंस यहां पे दिया है, मैं यहां पे कोई भी कुछ भी रेजिस्टेंस अपन ले लेते हैं, चलो 50 ओम रेजिस्टेंस दिया हुआ है। क्या मुझे होता है गैलोनोमीटर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इसमें, कैन यू यूज गैलोनोमीटर डायरेक्टली यहां पे, मुझे होता है गैलोनोमीटर डायरेक्टली मैंने यूज कर दिया, देखो यहां पे ये रेजिस्टेंस ठीक है, गैलोनोमीटर यूज कर लिया मैंने ठीक है, ये कितना है 50 ओम, यहां पे भी मैंने गैलोनोमीटर डायरेक्टली यूज कर लिया, क्या हो गया ठीक है, गैलोनोमीटर यूज कर लिया 50 ओम का, क्या हुआ यहां पे बताओ, दोनों जगह पे क्या हुआ, पहले तो दोनों जगह पे क्या हुआ, एक तो करंट खुद चेंज हो गया, देखो जो चीज मुझे होता मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मैंने क्या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का काम क्या है भाई, सिर्फ मेजर कर, मुझे होता सिर्फ मेजर कर, करंट को मेजर कर, लेकिन यहां पे करंट सीधा चेंज ही हो गया ना, कितना करंट चेंज हो गया 400 डिवाइड बाय 250, करंट इधर भी चेंज, करंट इधर तो भाई बहुत ही चेंज हो गया 100 डिवाइड बाय 52, कुछ अलग ही करंट हो गया, मुझे होता दोनों जगह पे करंट चेंज हो गया कि नहीं, और एक साथ हो गई। तुषार ने सही बोला है, पहले केस में देखो यहां पे तो करंट अपना गैलोमीटर जल भी गया, देखो इतना बड़ा यहां पे आप करंट डायरेक्टली आप करंट कैलकुलेट करोगे तो 400 डिवाइड बाय 250 काम खत्म इसका, देखो यहां पे इतना बड़ा मतलब 1 एम्पियर से ज्यादा करंट चला गया, 1.5 एम्पियर ज्यादा करंट चला गया है, खत्म अपना बेचारा मिली एम्पियर में करंट जाता है गैलोमीटर में, ठीक है 1.6 एम्पीयर करंट जा रहा है, काम खत्म, 1.6 एम्पीयर गैलोमीटर इधर जल गया, तो पहले में तो गैलोमीटर जल गया, चलो यहाँ पे थोड़ा तो बच भी गया होगा क्योंकि 100 डिवाइड बाय, यहाँ पे भी 100 डिवाइड बाय 52, क्या होगा यहाँ पे दोनों जगह गैलोमीटर जल भी आ रहा है, देखो एक तो जला भी और काम का भी नहीं है, एरर भी दे दिया ठीक है। तो फिर हमने क्या किया, अभी हमने देखा हम गैलोनोमीटर यूज नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे बताओ गाइस, इसमें हम क्या यूज करेंगे, एमीटर यूज करेंगे। एमीटर कैसे यूज करते हैं, एमीटर के लिए क्या करते हैं अपन, गैलोनोमीटर के पैरल में एक रेजिस्टेंस डालते हैं, यही तो एमीटर था ना, पैरल में एक रेजिस्टेंस डालते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस ठीक है। और मैंने बोला शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई 0.1 ओम ठीक है, 0.1 ओम रेजिस्टेंस हो गया। तो अब मुझे तो यहां पे 0.1 ओम रेजिस्टेंस हो गया, मुझे तो कुछ तो फर्क आएगा कि नहीं, मतलब मुझे तो अभी हम लोग ने ऑलमोस्ट इसको सेव कर लिया कि नहीं बताओ मुझे, अब जो करंट आएगा मुझे तो अब जो करंट बैटरी से निकलने वाला है ये करंट को एरर बहुत ही कम कर दिया कि नहीं, अब इस एरर को हमने बहुत ही कम कर दिया कि नहीं, अब मुझे बताओ इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो रेजिस्टेंस है ठीक है वो कितना हो जाएगा 50 डिवाइड बाय 50.1, मतलब 0.1 से भी बहुत कम, 0.1 से भी कम, तो मैं इसे 0.1 मान लेता हूं अप्रोक्सीमेटली। देखो इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है अप्रोक्सीमेटली आर इक्विवेलेंट यहां पे अप्रोक्सीमेटली 0.1 मान लेता हूं ठीक है अभी के लिए अप्रोक्सीमेटली, जो तो इसका भी अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया बताओ, आर इक्विवेलेंट कितना हो गया 0.1 ओम हो गया। मुझे बताओ अब करंट जो है वो कितना हो जाएगा 400 डिवाइड बाय कितना 200.1, मतलब एरर बहुत कम हुआ कि नहीं, मुझे तो एरर बहुत कम हुआ कि नहीं हुआ, करंट की वैल्यू भी अप्रोक्सीमेटली यहां पे 2 एम्पियर नहीं 1.99 एम्पियर होगी बराबर कि नहीं, अप्रोक्सीमेटली यहां पे अभी कितना है 1.99 एम्पियर हुआ, 2 एम्पियर उतना ही करंट हुआ, करंट ज्यादा चेंज नहीं हुआ, अभी यहां पे भी करंट की वैल्यू कितनी हुई 2.1 अप्रोक्सीमेटली 49 मतलब 50 नहीं 49.99 टाइप्स ठीक है 49.9 एम्पियर टाइप हो गई। तो मुझे होता एरर कम हुआ कि नहीं हुआ बताओ मुझे, एरर कम हुआ कि नहीं, हाँ तो अच्छी बात है ना, जितना कम शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी कम होगी उतना अपना एमिटर आइडियल होगा कि नहीं, जितना शंट रेजिस्टेंस अच्छा होगा जितना कम होगा उतना अपना आइडियल एमिटर बनेगा, इतना ये दो एग्जांपल से समझ में आया।
कि कैसे गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाया जाता है। ठीक है, इसमें शायद से 47 है, 49.9 नहीं, अभी आप मतलब चेक कर लो। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे 100 डिवाइड बाय 2.1 49.9 नहीं है, किसी वाला कुछ अलग है वो बराबर है, मतलब मैंने जस्ट 0.01 कर लेंगे तो और कम हो जाएगा, मतलब 2.01 हो जाएगा, सैचुरेशन को कम 47.6। ठीक है, जो भी है, लेकिन वैल्यू तो कम हुई ना। मुझे तो इतना समझ में आया तुमको क्या कि कैसे करना है, मतलब मैंने तो एग्जाम्पल के लिए दिया था, एग्जाम्पल के लिए दिया था कि करंट कैसे बच गया। अब मुझे आप बताओ इसमें जो मैक्सिमम करंट है, ये जो भी यहाँ पे सपोज लेट्स से यहाँ पे करंट 1.99 जा रहा है, तो 1.9 एम्पियर जो करंट जा रहा है, इसका मैक्सिमम करंट किससे पास होगा, गैल्वेनोमीटर से पास होगा या किससे पास होगा, गैल्वेनोमीटर से पास होगा या शंट से पास होगा, किससे पास होगा, लो रेजिस्टेंस पास है तो 1.9 गया, गैल्वेनोमीटर से कम गया, शंट पूरा का पूरा करंट शंट से चला गया, तो अच्छी बात है ना, अपना गैल्वेनोमीटर बच गया कि नहीं भाई। यहाँ पे अपना जो गैल्वेनोमीटर कॉइल है वो भी बच गई, जल गई, जली नहीं, पूरा का पूरा करंट शंट से पास हो गया, काम खत्म अपना, बच गया वो, इधर से भी पूरा का पूरा करंट शंट से पास हो गया, लो रेजिस्टेंस पाथ, फॉर्मूला अपना दिया हुआ है, राइट। अब उसके ऊपर मैं एग्जांपल देता हूं आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोला था फुल स्केल डिफ्लेक्शन कर रहे हैं, रेंज क्या होता है, व्हाट इज रेंज ऑफ एन एमिटर, ठीक है, जो एक्चुअली जेई में पूछा जाता है, बट मुझे इतना बताओ ये समझ में आया सबको, इसमें कोई डाउट है दो एग्जाम्पल्स में। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, क्या इसमें भी आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे बढ़ते भाई, ये लिख के हो गया। अब कोई बोलेगा सर हाँ आईजी वैल्यू इज वेरी लेस, अब तुम लोग बोलोगे सर आईजी की वैल्यू वेरी लेस है तो एग्जैक्ट रीडिंग कैसे देगा, उसको नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं, उसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। कोई बोलेगा सर एग्जैक्टली तो 1.9 एम्पीयर करंट नहीं जा रहा है, तो फिर वो डिफ्लेक्शन प्रॉपर कैसे देगा, वो आप सोचो, वो नॉर्मलाइजेशन होता है, वो बताऊंगा बाद में, ठीक है, अभी के लिए ऐसा कर लो प्रॉपर रीडिंग देगा, टेंशन मत लो, डिफ्लेक्शन उस तरीके से कर देगा वो, ठीक है। पहले मुझे तो इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, ज्यादा एकदम अभी डेप्थ में मत सोचो, मैं बताऊंगा उसको, ठीक है, पहले इतना देखो, ठीक है, अब आगे बढ़ते। अब मुझे एक बात बताओ, अब डिफ्लेक्शन, सब लोग सुनो, अब हमने मैंने आपको दो टर्म बोले, एक तो होता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, ठीक है, तो पहले एक एग्जांपल छोटा सा, बिना सोच के, बिना कुछ सोच के, ठीक है, ये मेरा आरजी रेजिस्टेंस है और ये मेरा आरएस रेजिस्टेंस है, ठीक है, मतलब गैल्वेनोमीटर है और ये पूरा का पूरा एमीटर बन चुका है, ठीक है। अब जो मैं यहां पे बोल रहा हूं वो देख लो, मैंने बोला आरजी की वैल्यू है 98 ओम एंड आरएस की वैल्यू है 2 ओम, ठीक है, और यहां से करंट जा रहा है लेट्स से, यहां से जो करंट जा रहा है वो जा रहा है लेट्स से 10 एम्पियर, तो मुझे होता है इसमें कितना जाएगा, इसमें कितना जाएगा, कोई बोल सकता है इसमें कितना करंट जाएगा, इसमें कितना करंट जाएगा, टेन एम्पियर करंट, तो इसमें कितना, इसमें कितना, कैसे निकालते हैं अपन ने, फॉर्मूला अपन ने डिराइव किया था, याद है फॉर्मूला डिराइव किया था अपन ने, कुछ नहीं, फटाफट निकालो जरा फॉर्मूला की वैल्यू निकालो। कोई बोलेगा सर इसमें जाएगा करंट आईएस, इसमें करंट जाएगा आईजी, चलो आईजी की वैल्यू कितनी हुई, तो इसमें मैं कैलकुलेट करूंगा, तो मेरी आईजी की वैल्यू हुई 10 इंटू क्या, 10 इंटू 2 डिवाइड बाय 98 प्लस 2, सबको याद है क्या ये चीज, हाँ, तो 0.2 एम्पियर, तो मुझे तो यहां पर कितना हुआ 0.2 एम्पियर, ठीक है, और आईएस की वैल्यू कितनी हुई 9.8 एम्पियर, तो इधर दिख ही रहा है ना आपको कि मैक्सिमम करंट कहां से पास हो रहा है, मैक्सिमम करंट कहां से पास हो रहा है, आईएस की वैल्यू आई 9.8 एम्पियर और आईजी की वैल्यू कितनी आई 0.2 एम्पियर, बराबर 0.2 एम्पियर, मतलब कितना मिली एम्पियर, मिली एम्पियर में बोलेंगे इसको तो कितना बोलेंगे, 0.2 एम्पियर मतलब कितना मिली एम्पियर, 200 मिली एम्पियर, बराबर ना, 0.2 एम्पियर इज नथिंग बट 200 मिली एम्पियर, 10 मिली, अभी ये इतना मत पूछो, कन्वर्जन वगैरह मत पूछ, मुझे ये आना चाहिए आपको, बच्चे थे पहले, एक साल पहले भी बड़े हो गए तुम लोग, ठीक है, 0.02 एम्पियर मतलब क्या बोलेंगे अपन, 20 मिली एम्पियर, तो कभी कभी मैं अभी मिली एम्पियर में ही बात कर दूंगा,
मैं बोलूंगा 10 mA करंट जा रहा है, मतलब कितना 100 mA 1 mA करंट जा रहा है। अब मुझे एक बात बताओ गाइस गाइस गाइस, इसी क्वेश्चन में ठीक है, इसी क्वेश्चन में मैंने सपोज ये बोला कि ये जो गैल्वेनोमीटर यहाँ पे दिया है इट कैन टेक मैक्सिमम, मैंने बोला इसका जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है ये 0.2 एम्पियर है, 0.2 एम्पियर इज लेट्स से फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, मतलब इससे ज्यादा करंट नहीं ले सकता है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ये होगा सपोज जो यहां पे निकाला है। तो मुझे बताओ जो एमिटर में आने वाला, देखो ये पूरा का पूरा असेंबली एमिटर है, तो इधर जो करंट आने वाला एक 10 एम्पियर करंट जो यहां पे हुआ, इसी को हम लोग ना बोलेंगे रेंज ऑफ एन एमिटर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे रेंज ऑफ एन एमिटर। अब आपको थोड़ा समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या है, कंप्लीट जो एमिटर है ठीक है, मतलब ऐसा बोला जाएगा कि कंप्लीट जो एमिटर है ये 0 से 10 एम्पियर का एमिटर है, सो दिस एमिटर इज ऑफ, ये एमिटर है, इसका मतलब क्या, इसकी रीडिंग मैक्सिमम कितना जा सकती है, अरे इसकी रीडिंग मैक्सिमम कितना जा सकती है, इस एमिटर की रीडिंग मैक्सिमम कितना जा सकती है, 0 से लेकर 10 एम्पियर तक, 10 एम्पियर से ज्यादा करंट गया, मुझे बताओ यहां पे 10 एम्पियर से ज्यादा करंट गया, 11 एम्पियर या 12 एम्पियर भी करंट यहां पे गया, क्या होगा, आईजी की वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बताओ मुझे, मुझे बताओ यहां पे 12 एम्पियर भी करंट गया तो आईजी की वैल्यू बढ़ेगी ना भाई, आईजी की वैल्यू बढ़ेगी, मुझे बताओ ये 10 का थोड़ा सा भी बढ़ गया तो आईजी की वैल्यू बढ़ गई, मतलब 0.2 एम्पियर से ज्यादा करंट गया, मतलब 200 मिली एम्पियर से ज्यादा करंट गया, तो ये कॉइल क्या हो जाएगी, जल जाएगी ना। तो इतना दिमाग में आया, जब भी इधर से फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट जाता है ठीक है, तब जो एमिटर में आने वाले करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं, रेंज ऑफ एन एमिटर, मतलब वो एमिटर का मैक्सिमम करंट होगा, उससे ज्यादा करंट तो जा ही नहीं सकता, ये आपको समझ में आया क्या, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया था, मैंने एग्जांपल के साथ पढ़ा दिया मैंने आपको। सो 0 से 10 एम्पियर मतलब क्या, एमिटर 0 से 10 कुछ भी ले सकता है ना यार, 10 एम्पियर से कम करंट होगा तो जलेगा नहीं ना बेसिकली, फुल स्केल डिफ्लेक्शन मतलब 10 एम्पियर से यहां से ज्यादा कम करंट गया तो अपना गैल्वेनोमीटर जलेगा नहीं, अपना अच्छा एमिटर, फिर आपको पता ना कभी कभी ऐसा डिवाइस में रेंज लिखी रहती है भाई, इधर से 100 एम्पियर करंट आएगा तो जल जाता है अंदर का सर्किट, देखा आपने, अच्छा खासा एक स्मेल आता है जला हुआ, जल जाता है मतलब क्या हो गया, ये बर्न हो जाएगा ना पूरा, टूट जाएगा, समझ में आ रहा है। तो हर एक डिवाइस की अपनी एक लिमिट होती है, उसको हम लोग बोलते हैं औकात होती है ठीक है, उससे ज्यादा तो नहीं जा सकता, बराबर कि नहीं। अब उल्टा क्वेश्चन देता हूं मैं गाइस, एक उल्टा क्वेश्चन देता हूं, आप लोग मुझे बताओगे इसका आंसर क्या, क्वेश्चन उल्टा, सब लोग यहां पे देखो, एक छोटा सा उल्टा क्वेश्चन, ये हो गया क्वेश्चन, अब एग्जांपल टू देखो, यहां पे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये सारे जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं ना यही सब नीट एंड जेईई मेन में आते हैं, नीट जेईई मेन में आते हैं ठीक है। मैंने यहां पे बोला, सब लोग यहां पे देखो, ये मेरा गैल्वेनोमीटर है ठीक है, और शंट है, मतलब ये क्या बन गया बताओ, ये पूरा का पूरा सेटअप क्या बन गया, ये मेरा बन गया एमीटर बन गया। अब ये जो रेजिस्टेंस है ये दिया है, लेट्स से इसकी जो वैल्यू दी है वो चलो 3 ओम दी है ठीक है, सॉरी 3 ओम नहीं, इसकी वैल्यू दी है लेट्स से आपको जो कैलकुलेट हो ऐसे ही देता हूं कुछ मैं ठीक है, इसकी वैल्यू में दी, मैंने दी है 198 ओम और इसकी वैल्यू वापस 2 ओम दी है ठीक है। और मैंने बोला है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ठीक है, फॉर दिस इंस्ट्रूमेंट फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट की वैल्यू दी है, डिफ्लेक्शन करंट इज इक्वल टू, मैंने बोला है 20 mA, मैंने आंसर कितना, मैंने कितना दिया फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट की वैल्यू कितनी दी है, 20 mA दी है ठीक है। फाइंड रेंज ऑफ एन एमिटर ऐसा क्वेश्चन गाइस आएगा ठीक है, इस एमिटर की रेंज फाइंड आउट करो, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट इज गिवन विच इज 20 mA। चलो बताओ आंसर कितना होगा इसका,
फुल स्केल डिफ्लेशन करंट दिया है, मतलब क्या है, मतलब क्या दिया है, मतलब ये जो आईजी है इसकी वैल्यू कितनी दी है, 20 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर, मतलब 20 × 10⁻³, ठीक है। और मुझे क्या पूछा है भाई, मुझे पूछा है यहां से करंट कितना होगा, आई की वैल्यू पूछी है करंट यहां पे, तो मुझे बताओ जो आई है, अपना फॉर्मूला क्या था, आई इज इक्वल टू क्या, सॉरी डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना है, तो आई जी इज इक्वल टू क्या, आई इंटू टू डिवाइड बाय 198 प्लस 2, ये था कि नहीं बताओ मुझे। और IG की वैल्यू 20 मिली एम्पियर दी हुई थी, इसमें इसकी जो वैल्यू है वो 20 मिली एम्पियर है, ये 20 मिली एम्पियर है। अब मुझे बताओ समझ में आया सबको गाइस, तो I की वैल्यू कितनी आई बताओ जरा, I की वैल्यू कितनी आई, 2 एम्पियर आई, बिल्कुल। तो I की वैल्यू यहां से अपन कैलकुलेट करेंगे तो I की वैल्यू कितनी आई, 2 एम्पियर आई, बराबर। चलो मुझे बताओ ये सबको समझ में आया भाई, ये सबको समझ में आया, तो मुझे बताओ मतलब ये एज एन एमिटर इसको सपोज यूज करना है तो इसकी रेंज कितनी होगी, तो इसको एज एन एमिटर यूज करना है तो ध्यान में रखना ये कितना करंट मेजर कर पाएगा, मैक्सिमम कितना करंट मेजर कर पाएगा, 0 से लेके 2 एम्पियर तक का करंट मेजर कर पाएगा, ये मेरा एमिटर होगा। तो मेरा जो एमिटर जो मैंने बनाया ये 0 से 2 एम्पियर तक का है, तो मुझे तो यहाँ पे 4 एम्पियर करंट जा सकता है क्या, यहां से 4 एम्पियर करंट जा सकता है क्या, नहीं 5 एम्पियर करंट जा सकता है क्या, नहीं, किसी ने बोला, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बनाना है, मतलब ये तो क्वेश्चन दिया ही है, किसी ने बोला कैन यू यूज दिस, ठीक है, ये देखो ध्यान में रखना, मतलब सिर्फ इतना ही दिया रहेगा, उन्होंने ये भी नहीं पूछा रहेगा फाइंड रेंज ऑफ एमिटर भी नहीं पूछा रहेगा, उन्होंने बोला होगा कि डिफ्लेक्शन करंट 20 मिली एम्पियर वगैरह है, तुमने रेंज फाइंड आउट कर लिया। अब किसी ने बोला ये सेम असेंबली को अपने को एक कोई कोई सर्किट में यूज करना है, ठीक है, कोई सर्किट में ऐसा यूज करना है, सब लोग यहां पे देखो, मतलब ये सेम चीज, ठीक है, ये सेम एमिटर है, इसको मैं एमिटर बोलूंगा। अब ये एमिटर को जो मैंने अभी एमिटर निकाला हुआ है, ठीक है, इस एमिटर को मैंने कुछ ऐसे सर्किट में यूज किया, सब लोग यहां पे देखो, कुछ ऐसे सर्किट में यूज किया जहां पे 1000 वोल्ट की बैटरी है, और मैं आपको मतलब कैलकुलेशन इजी जाए इसलिए 20 ओम का रेजिस्टेंस है, क्या हम लोग उसको यूज कर सकते हैं यहां पे, देखो 1000 वोल्ट / 20 मतलब एक्चुअल में कितना हुआ, 50 एम्पियर करंट जा रहा है यहाँ पे, 50 एम्पियर, ठीक है। अब यही एम्पियर मैंने यही एमिटर यूज किया तो इसका दोनों का रेजिस्टेंस मिला के कितना होगा, लेस देन 2, तो इसका रेजिस्टेंस तो अप्रोक्सीमेटली मैंने 2 लिया ना, अप्रोक्सीमेटली 2 ओम, तो मुझे बताओ क्या ये कर यहाँ पे बच पाएगा एमिटर है, क्या यहाँ पे सर्किट में वो जो लास्ट वाला जो मैंने एमिटर ये बनाया है इसको मैंने एज एमिटर यूज किया, क्या बच पाएगा। हाँ, किसी ने लिखा दिवाली हो जाएगी, बिल्कुल 1000 / 20 = 22 ओम भाई नहीं बच पाएगा इतना बड़ा करंट, क्योंकि अपने करंट की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 2 एम्पियर से ज्यादा नहीं जा सकता, 2 एम्पियर से ज्यादा नहीं जा सकता, समझ में आया। बट यही चीज मैंने यहां पे, ठीक है, यहां पे 1000 वोल्ट एंड 1000 ओम ऐसा यूज किया है, कैन आई यूज नाउ दिस एमिटर, देखो 1000 / 1000 2 less than 2 ampere current यहाँ पे पास हो रहा है, less than 2 ampere current पास हो रहा है, yes I can use this emitter, क्योंकि इसकी रेंज कितनी है, 0 से 2 ampere, 0 से 2 ampere तक का कोई भी करंट इसके अंदर घुसा चल जाएगा, समझ में आया आपको अभी। देखो अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी अपने इससे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है गाइस। तो ये हो गया मेरा एमीटर, इजी था, देखो ये बहुत इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, खास करके जेई मेन एंड जेई एडवांस एंड नीट तीनों एग्जाम्स का फेवरेट टॉपिक ये है, फेवरेट टॉपिक, एक आध क्वेश्चन तो आ ही जाता है, इधर जेई मेन में आएगा, नहीं तो जेई एडवांस में आएगा, नहीं तो नीट में आएगा, नीट में तो आएगा ही, बहुत इजी लेवल पे, ऐसी लेवल पे आता है डायरेक्टली, ये निकालना है ये निकालो, ये निकालना है ये निकालो, डायरेक्टली आ जाता है बस, ठीक है। एडवांस में थोड़ा सा घूम के आएगा लेकिन वही सेम ही आएगा, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा होमवर्क में आपको एचसीओरमा से सेम टू सेम, जो एच शर्मा का होमवर्क है वही आपको बताऊंगा मैं यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे बढ़े, इसको लिख दो चाहिए तो इसको लिख दो, लिख के हो गया इसका, आगे बढ़ते हम लोग।
गाइस आगे बढ़े क्या? हाँ ना बोलो, ठीक है। अब हम लोग बोलो, अब मुझे एक बात बताओ, चलो वोल्ट मीटर क्या होता है? अब मैं बोलता हूं गाइस, वोल्ट मीटर क्या होता है? कोई बोलेगा सर एमीटर तो समझ में आ गया, एमीटर तो समझ में आ गया, करंट मेजर करता है, तो करंट तो मेजर कर लिया अपन ने, तो एमीटर को गैल्वेनोमीटर यूज किया राइट। अब मुझे तो वोल्ट मीटर क्या होगा, क्या मेजर करता है वोल्ट मीटर? भाई वोल्टेज मेजर करता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर यूज होता है, ठीक है। अब मुझे बताओ पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब, यहां पे सब लोग देखो, यहां पे सब लोग देखो, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये बैटरी है, सब ठीक है। यहां पे मैंने बोला 100 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, और मैंने यहां पे, चलो अब इजी करने के लिए, 100 ओम का रेजिस्टेंस है, 100 ओम का रेजिस्टेंस है, कोई बोलो यहाँ पे कैसे निकालते पोटेंशियल डिफरेंस? 100 ओम, 100 ओम के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? अभी तो आपको दिख रहा होगा ये 100 वोल्ट है, 100 100 कितना होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 100? 50 वोल्ट ना। कैसे वैसे कैसे निकालते हैं, मतलब ये तो मैंने एकदम इजी दिया इसीलिए आपने फटाफट निकाल दिया। आपको तो 100 वोल्ट इधर 50 आएगा, इधर 50 आएगा, इक्वली डिवाइड होगा, बच्चों का काम है। लेकिन आप कैसे निकालते हो, वैसे जनरली करंट निकालते हैं, ठीक है, यहां से करंट पास होगा, कितना करंट पास होगा, तो करंट की वैल्यू अपन क्या निकालते हैं, 100 डिवाइड बाय 200, तो कितना हुआ, 0.5 एम्पियर करंट पास होगा, ठीक है। मुझे तो 0.5 एम्पियर करंट यहां से पास हुआ, तो मुझे तो पोटेंशियल डिफरेंस इधर दोनों पॉइंट का कितना होगा, I into R, 0.5 into 100 कितना, 0.5 into 100 कितना, 50 वोल्ट। समझ में आया क्या? 50 वोल्ट। अब मुझे एक बात बताओ, अब 50 वोल्ट मुझे मेजर करना है, एक बात बताओ यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो हम लोग यहां पे क्या लगाते हैं, इसके अक्रॉस क्या लगाते हैं, हमेशा वोल्ट मीटर लगाते हैं, जैसे हम लोग ने बोला था आपको, जैसे मैंने बोला था करंट को मेजर करने के लिए एमीटर सीरीज में लगाते हैं, बचपन में पढ़ा है आपने, वैसे पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाते हैं, ये इतना तो बचपन से पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब मुझे वोल्ट मीटर पैरेलल में लगा दिया, अब एक बात बताओ यार, वोल्ट मीटर आइडियल है, ठीक है, ये वोल्ट मीटर एग्जैक्ट, अब मुझे तो वोल्ट मीटर नाम की कोई चीज होती है क्या? मैंने आपको एकदम सिंपल सी चीज बोली, कभी भी वोल्ट मीटर होगा, कोई भी वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर होता नहीं है, सबसे बेस को, बेस कौन होता है, बेस क्या होता है बताओ, सबका बेस कौन है, गैल्वेनोमीटर है ना भाई, गैल्वेनोमीटर बेस है, तो एक्चुअली आपको वोल्ट मीटर भी बनाना है, गैल्वेनोमीटर से बनाना है, अपने पास वोल्ट मीटर के लिए कुछ होता नहीं है, जैसे गैल्वेनोमीटर का सीरीज पैरेलल में अपन ने रेजिस्टेंस डाल दिया तो एमीटर बन गया, ठीक है। तुमको पता है वोल्ट मीटर का, वोल्ट मीटर को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर पैरेलल तो सीरीज, इधर सीरीज नहीं तो पैरेलल, वही होता है राइट। बट मैं अभी जस्ट बता रहा हूं, मुझे तो वोल्ट मीटर आइडियल कब बोल सकते हैं हम लोग, मुझे तो वोल्ट मीटर आइडियल है, आइडियल वोल्ट मीटर, ये कब होगा, हम कब बोल सकते कि वोल्ट मीटर आइडियल है? सर्किट में देखो, सर्किट में करंट कितना जा रहा है, 0.5, अरे सर्किट में करंट कितना जा रहा है, 0.5 एम्पियर करंट जा रहा है यहाँ पे, ये करंट बदलना नहीं चाहिए, मुझे होता है ये करंट इस वोल्ट मीटर के वजह से बदला तो प्रॉब्लम हुआ कि नहीं, अरे ये करंट सपोज इसके बदले से बदला तो प्रॉब्लम हुआ कि नहीं, एरर आ जाएगा ना। हाँ करंट बदलना नहीं चाहिए भाई, करंट नहीं बदलना चाहिए, 0.5 एम्पियर का करंट 0.5 ही रहना चाहिए भाई, ये नहीं बदलना चाहिए। अब ये नहीं बदलना चाहिए तो मुझे बताओ वोल्ट मीटर ने कितना करंट लेना चाहिए, वोल्ट मीटर के अंदर कितना करंट आना चाहिए, मुझे बताओ 0.5 एम्पियर करंट है तो इधर भी 0.5 जाना चाहिए, तो इसके अंदर का करंट कितना जाना चाहिए, अरे वोल्ट मीटर ने कितना करंट लेना चाहिए, मतलब अपन ने वोल्ट मीटर को लगाया तो करंट बिल्कुल नहीं ले अपना वोल्ट मीटर, कोई भी करंट ना ले, करंट जीरो कब कहां से जाता है, करंट जीरो कब होता है, जब सर्किट क्या होता है, ओपन सर्किट या क्लोज सर्किट, क्या बोला था मैंने, अरे कोई भी जगह पे करंट जीरो कब जाएगा, जब सर्किट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ओपन सर्किट। मुझे होता ओपन सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होता है, जीरो होता है, इनफाइनाइट होता है, अरे ओपन सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होता है, जीरो या इनफाइनाइट, अरे इनफाइनाइट होता है, पढ़ाया था नहीं आर की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है, एंड दिस इज कॉल्ड ओपन सर्किट, ओपन सर्किट मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो मुझे बताओ आइडियल वोल्ट मीटर, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए,
कितना होना चाहिए, आइडियल अल्टीमेट कंडीशंस कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट। वैसे आइडियल एमिटर कंडीशंस कितना होना चाहिए, अभी तो देखा मुझे तो आइडियल एमिटर कंडीशंस कितना होना चाहिए, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो कर दी तो अच्छी बात है, जीरो होना चाहिए। जीरो हो गई तो मेरा रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा क्योंकि वो सीरीज में है। आपको अभी क्लियर हो रहा है क्या, थोड़ा चमक रहा है क्या आपको? आइडियल एमिटर का रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए, आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए क्योंकि ये कोई भी करंट नहीं लेना चाहिए। वोल्टमीटर, वोल्टमीटर के अंदर का करंट जीरो है, बट मुझे बताओ अल्मोस्ट जीरो तो होगा नहीं, सिंपल सी बात, अल्मोस्ट जीरो कर नहीं सकते, तो आइडियल एमिटर भी नहीं बन सकता, आइडियल वोल्टमीटर भी नहीं बन सकता, अभी तो देखा अपन ने, क्योंकि वोल्टमीटर एमिटर का बेस कौन है, गैल्वानोमीटर, और गैल्वानोमीटर का कभी भी कॉइल रेजिस्टेंस होगा ही होगा। आपको समझ में आया? और ध्यान में रखना, गैल्वानोमीटर कॉइल रेजिस्टेंस कभी भी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, आर की वैल्यू इनफाइनाइट कर दी तो कोई करंट ही नहीं जाएगा। अब मुझे एक सिंपल सी बात, आइडियल वोल्टमीटर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए आइडियल वोल्टमीटर का, दिखाया आप, रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा क्यों इनफाइनाइट रेजिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है वो बताऊंगा मैं आपको, Why infinite is not possible? ठीक है, infinite क्यों possible नहीं है वो भी बताऊंगा मैं, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, चलो infinite क्यों नहीं possible मैं थोड़ा सा 10 मिनट के बाद बताऊं, पहले वोल्ट मीटर को अपन डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। अपन डायरेक्टली इसको पहले वो कर लेते हैं, आइडियल वोल्ट मीटर को डायरेक्ट डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। यहां पे सेकंड इसमें डालता हूं, ये आपको चाहिए तो लिख के रखो, इतना सिर्फ लिख के रखो। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे समझो, सेम क्वेश्चन, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे देखो क्या डिफाइन करने वाला हूं, मैं एक छोटा सा यहाँ पे पहले सर्किट बना के रखता हूँ, यही सेम सर्किट चाहिए, तो 100 वोल्ट 100 ओम 100 ओम, और यहाँ पे मुझे क्या लगाना था, वोल्ट मीटर। मुझे बताओ वोल्ट मीटर अपने पास है क्या, पहले मुझे बताओ अपने पास वोल्ट मीटर होता है क्या, नहीं होता। अपने पास क्या होता है, गैल्वानोमीटर होता है, तो इसके पैरेलल में अपने को क्या लगाना पड़ेगा, गैल्वानोमीटर का एक रेजिस्टेंस है। अब मुझे एक बात बताओ, रेजिस्टेंस आरजी की वैल्यू मैंने बोली है 100 ओम है, मुझे बताओ इसकी रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, इसका जो रेजिस्टेंस है, मैंने बोला ना ये करंट को ऑलमोस्ट जीरो करने के लिए इसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, इसका रेजिस्टेंस टेंस टू कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट। इसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए, मतलब मुझे बताओ, लेकिन गैल्वानोमीटर के कॉइल रेजिस्टेंस जो मैंने आरजी की वैल्यू 100 लिखी है उसको हम चेंज कर सकते हैं क्या, इसको हम चेंज कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस आरजी के सीरीज में, इसके आरजी के सीरीज में एक बड़ा सा रेजिस्टेंस डाल सकते हैं, बड़ा सा रेजिस्टेंस, इसको हम लोग बोलते हैं सीरीज रेजिस्टेंस, सीरीज रेजिस्टेंस इन सीरीज, मतलब मैंने क्या किया, गैल्वानोमीटर तो है ही, इस गैल्वानोमीटर के साथ साथ इस कॉइल के अंदर एक यहां पे सीरीज रेजिस्टेंस जोड़ दिया, ठीक है। आर अभी शंट नहीं है, सीरीज है, एक सीरीज रेजिस्टेंस मैंने जोड़ दिया जिसकी वैल्यू हम लोग मेगा ओम भी रख सकते, मेगा ओम, गीगा ओम, देखो इनफाइनाइट तो नहीं रख सकते, इनफाइनाइट तो होता नहीं तो ओपन हो जाएगा वो, मेगा ओम रख सकते हैं, गीगा ओम रख सकते हैं। तो मुझे बताओ ये जो मेरा असेंबली बना अभी, मतलब गैल्वानोमीटर, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, गैल्वानोमीटर के साथ मैंने सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ दिया, तो मुझे बताओ ये क्या बन गया, ये पूरा का पूरा क्या बन गया, वोल्ट मीटर, अब मुझे तो इसमें आइडियल वोल्ट मीटर बनाने के लिए इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इनफाइनाइट होनी चाहिए, कि जो हम लोग नहीं कर सकते, और इनफाइनाइट मतलब ओपन हो गया, मुझे तो ये ओपन हो गया तो यहां पे कोई करंट जाएगा क्या, मुझे तो यहां पे कोई करंट जाएगा क्या, ये ओपन कर दिया मैंने तो यहां पे कोई करंट जाएगा, अरे करंट नहीं जाएगा तो डिफ्लेक्शन कैसे होगा भाई, गैल्वानोमीटर के अंदर से करंट ही नहीं जाएगा तो डिफ्लेक्ट थोड़ी करेगा वो, तो रीडिंग कैसे होगी, फिर रीडिंग तो होगी ही नहीं फिर, इसलिए ध्यान में रखना, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक आइडियल वोल्टमीटर, समझ में आ रहा है क्या,
अरे समझ में आ रहा है क्या, इज नॉट पॉसिबल टू मेक आइडियल वोल्ट मीटर, ठीक है, क्योंकि सीरीज रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं हो सकता, ठीक है। अब मुझे तो किसी ने बोला रेंज ऑफ एन वोल्ट मीटर क्या होगा, रेंज ऑफ एन वोल्ट मीटर, किसी ने बोला सर रेंज क्या होगी वोल्ट मीटर की, तो यहां से जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट गया आईजी, नाउ आईजी इज फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, सपोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट लेट्स से सपोज आईजी गया, मतलब आईजी की मैक्सिमम वैल्यू गई, बेसिकली आईजी की मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, आईजी की मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। तो रेंज ऑफ एन वोल्ट मीटर क्या होगी, तो वोल्ट मीटर की रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी क्या होगा, व्हाट इज वी ए माइनस वी बी, ये जो आईजी की मैक्सिमम जो वैल्यू अपन ने लिखी है, इनटू क्या, इनटू क्या, आर जी प्लस आर सीरीज, ये सबको समझ में आया क्या। अरे आई इंटू आर ना, दिस इज कॉल्ड वोल्ट मीटर का रेंज, एंड दिस इज कॉल्ड, ये जो हो गया इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या होगी, रेंज हो गई, रेंज हो गई, रेंज ऑफ अ वोल्ट मीटर, और ये क्या हो गया आईजी मैक्सिमम, दैट इज फुल स्केल डिफ्लेक्शन, समझ में आ रहा है। जब आईजी की वैल्यू आईजी मैक्सिमम हो तो वोल्ट मीटर का वो क्या बन जाता है, रेंज बन जाता है, सेम चीज जो सेम का से अपने लगाया। देखो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लास्ट का पार्ट होता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पोटेंशियोमीटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जेवाईसी का फॉर्मूला यहाँ पे वैलिड, जेवाईसी का फॉर्मूला मुझे नहीं पता, मतलब कौन से फॉर्मूला की बात कर रहा है, पूछा था, ये सबको समझ में आया, पहले बताओ इतना सबको समझ में आया, एक एग्जाम्पल दे देते, टेंशन मत लो, ये भी एक इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रखो, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, इसका स्क्रीनशॉट लो, अब इसका ले लो, यहां पे इसका लिख के हो गया गाइस, इसके लुक इसका लिख के हो गया गाइस, ये सब एक छोटा सा एग्जांपल इसके ऊपर देता हूं मैं, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, सब लोग यहां पे देख लेना, पोटेंशियोमीटर को गाइस पूरा का पूरा एक घंटा लेक्चर जाता है, ठीक है। पोटेंशियोमीटर इसका बहुत ही अच्छा वर्जन है, ठीक है, मुझे वो डायरेक्टली नहीं होगा, ठीक है, मतलब मैं डायरेक्टली अभी नहीं बोल सकता, क्योंकि पहले एमीटर वोल्ट मीटर समझते लोग, फिर पोटेंशियोमीटर समझते हैं, पोटेंशियोमीटर के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन एडवांस के बनते हैं, ठीक है। जो एक्चुअली थर्सडे का मेरा लेक्चर ऑनलाइन का जो लेक्चर है थर्सडे का, मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं वो नहीं ले पाऊंगा, ठीक है, तो थर्सडे का ऑनलाइन का लेक्चर पोटेंशियोमीटर का शशांक सर लेंगे, ठीक है, पोटेंशियोमीटर का सिर्फ, तो पोटेंशियोमीटर का एक्चुअली बस एक बार वो ऑनलाइन लेक्चर भी देख लो, ठीक है, नहीं गांव नहीं जा रहा हूं मैं, कहीं पे जा रहा हूं एक जगह पे, ठीक है, तो शशांक सर लेंगे, उसको समझ लो उस लेक्चर को, ठीक है। छुट्टी देनी कि नहीं देनी है वो देखते हैं हम लोग पहले, क्योंकि मुझे मतलब एटलीस्ट ये खत्म तो हो जाए, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट का पार्ट बचा है वो, राइट, पोटेंशियोमीटर, मतलब तीन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होती है, गैलोमीटर हो गया, एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, ठीक है। मैं अभी भी एक घंटे में करा सकता हूं लेकिन अभी वो सब आपके दिमाग के ऊपर से जाएगा, और मुझे वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसको वैसे ही रखना है, ठीक है, उसको खराब नहीं करना है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन इसके ऊपर, एग्जाम्पल, ठीक है, गैलोनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस, ऐसे दिया रहेगा, देखो क्वेश्चन में जब आप एचसीएल क्वेश्चन सॉल्व करें तो ऐसा लिखा रहेगा, गैलोनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ दिस, ठीक है, मतलब गैलोनोमीटर का रेजिस्टेंस है कुछ, जैसे अपन ले लेते हैं कुछ 48 ओम, ठीक है, देन सीरीज रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, मतलब अभी वोल्ट मीटर बन गया, देखो सीरीज रेजिस्टेंस मैंने ज्वाइन कर दिया यहाँ पे, ठीक है, मैंने ये कर लिया कुछ 552 ओम, ठीक है,
देखो कितना हुआ, 552 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। बोला है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट आईजी की वैल्यू, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट आईजी की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो दी है यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे आईजी की फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट की वैल्यू दी है यहाँ पे 100 मिली एम्पियर। बोला है फाइंड रेंज ऑफ अ वोल्टमीटर, रेंज ऑफ अ वोल्टमीटर। तो फाइंड रेंज ऑफ अ वोल्टमीटर कितना होगा बताओ जरा, इस वोल्टमीटर की रेंज कितनी होगी इतना बताओ जरा, मतलब किधर से किधर तक ये मेजर कर पाएगा। कितनी हो जाएगी आईजी, ठीक है यहां पे देखो आईजी मतलब एक करंट इनटू क्या आरजी प्लस सीरीज रेजिस्टेंस, ये सबको समझ में आया। तो आईजी की वैल्यू कितनी है 100 मिली एम्पियर, तो 100 इंटू 10^-3 इंटू आरजी प्लस आरएस कितना हुआ, ठीक है 48+552 मतलब कितना हुआ 600, 48+552 ये सबको समझ में आ रहा है क्या बताओ मुझे यहां पर। तो आंसर कितना हुआ यहाँ पे, इसका आंसर कितना हुआ, सिक्सटी वोल्ट। तो आंसर आया 60 वोल्ट, ठीक है। तो ध्यान में रखना यहाँ पे जो आंसर आया रेंज, तो इसकी जो रेंज होगी मैं यहाँ पे बॉक्स में डाल देता हूं चाहिए तो, इसकी जो रेंज होगी वो रेंज आएगी 0 से लेके 60 वोल्ट तक ये मेजर कर पाएगा। So, ये हो जाएगा मेरा वोल्टमीटर का क्वेश्चन। सबको समझ में आया भाई, सबको समझ में आया। लोअर लिमिट 0 ही होगा ना, माइनस तो नेगेटिव तो मेजर नहीं करते अपन, माइनस वोल्टेज कहां पे आता है कभी, ठीक है। वो तो क्या उल्टा करने के बाद अपन निगेटिव दिखता है, बट ऐसे 0 से अपना एब्सोल्यूट वैल्यू 0 से लेके आगे करते हैं ना, तो उल्टा मत करो। बोले कि सर VA माइनस VB 60, तो VB माइनस VA माइनस 60, तो ऑब्वियस की बात है, बट अपन वो वोल्ट मीटर कभी माइनस नहीं दिखाता ना, वो तो प्लस माइनस ऐसा करके करेंगे तो अलग बात है, ठीक है। ये सबको समझ में आया, अरे भाई ये सबको समझ में आया, तो एमीटर वोल्ट मीटर का कंसेप्ट समझ में आया। अब एडवांस में कंसेप्ट कैसे बनेंगे, एक क्वेश्चन एचसी वर्मा का भी दिया हुआ है, वैसे एडवांस में क्वेश्चन क्या बनेगा, ठीक है। अब ये देखो ये पर्टिकुलर इसको आया जेई मेन का क्वेश्चन हो गया, नीट का क्वेश्चन हो गया, नॉर्मल क्वेश्चन आया तो जेई मेन नीट का क्वेश्चन हो गया, दोनों का कंबाइन किया जाए तो एडवांस का क्वेश्चन हो गया। एडवांस का क्वेश्चन एमीटर वोल्टमीटर में कैसे बनेगा बताओ, कैसे बनेगा, थोड़ा सा आप दिमाग लगा सकते हो, कोई ऐसा बनेगा कि गैल्वेनोमीटर की कॉइल है जो एमीटर में यूज हो रही है, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस दिया नहीं है, ठीक है, मतलब ऐसा क्वेश्चन, सब लोग सुनो, ऐसा क्वेश्चन मैंने दे दिया। एक लास्ट का क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, मतलब मैं बताऊंगा कैसे करना है, आप लोग खुद करके आओ, ठीक है। मैंने पहले बोला कि एक गैल्वेनोमीटर है जिसको एज एन एमीटर अपने को यूज करना है, एज एन एमीटर यूज करना है, ठीक है, बट कॉइल रेजिस्टेंस पता नहीं है। सब लोग यहाँ पे देखो, इसको एज अ कॉइल रेजिस्टेंस पता नहीं है, मतलब क्या नहीं पता बताओ मुझे, क्या नहीं पता, आरजी की वैल्यू पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क है। एक गैल्वेनोमीटर है जिसकी आरजी की वैल्यू पता नहीं है, ठीक है, बट दोनों चीज दिया है, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है यहाँ पे, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे कुछ दी है, ठीक है, जो जैसे मैंने कुछ भी ले लो, मतलब जो भी है, 2 ओम दी है सपोज, ठीक है, और फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट दिया है, और ये भी दिया है, मतलब आई की वैल्यू लेट्स से दी है कुछ 4 एम्पियर, और आईजी की वैल्यू यहाँ पे दी है कुछ लेट्स से 20 मिली एम्पियर। तो मुझे बताओ यहां से क्या मिलेगा, इस डेटा से क्या मिलने वाला तुमको, ये दिया, क्या मिलने वाला है, यहां से क्या मिलेगा, आरजी का मिलेगा ना वैल्यू भाई, आरजी का वैल्यू मिलेगा कि नहीं, यू कैन कैलकुलेट आरजी।
अब यही गैलोनोमीटर, अब सेम गैलोनोमीटर है जो एमीटर के लिए यूज किया अपन ने, वी हैव यूज्ड दैट एज एमीटर, ठीक है, एज एन एमीटर। तो एमीटर का जो गैलोनोमीटर यूज किया, सेम गैलोनोमीटर इफ यू यूज टू मेक वोल्ट मीटर, ठीक है, तो जो आरजी की वैल्यू यहां से मिली उसको यूज करके, ठीक है, हमने एक सीरीज में इसके रेजिस्टेंस लगा दिया, तो ये क्या बन गया बताओ, ये क्या बन गया बताओ, सेम चीज यहां पे यूज कर वोल्ट मीटर बन गया। और फिर बोलेगा कि वोल्ट मीटर की रेंज बताइए, सपोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट यहाँ पे दिया है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट तो 20 मिली एम्पीयर दिया ही है ना, तो मुझे बताओ वोल्ट मीटर की रेंज कितनी होगी। तो एक बार आरजी की वैल्यू यहां से आ गई, ये दिया हुआ है, तो अपन रेंज निकाल सकते कि नहीं, मतलब दोनों एमीटर वोल्ट मीटर एंड कैलोमीटर दोनों एक साथ कर दिया, समझ में आया क्या। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा सा करके रखना, मतलब ये क्वेश्चन दिए हुए हैं मतलब ऑलरेडी, ठीक है, और एडवांस में आए भी हैं, एचसी वर्मा में भी दिए हुए हैं क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है एचसी वर्मा में, ठीक है। तो इसके ये ले लेना, मतलब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्विकली क्वेश्चन आप लिखो, मतलब कौन सा क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 47-48 सब लोग यहाँ पे देखो, होमवर्क क्वेश्चन, इसको अपन डिस्कस करेंगे बाद में, होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है, 47, 48, 49, ठीक है, 50, 51, 52, ठीक है, ये क्वेश्चन एमीटर वोल्टमीटर जो मैंने अभी आपको पढ़ा है इनके ऊपर है, और ये आइडियल पे है, मतलब ये कुछ एरर विरर के क्वेश्चंस है, ठीक है, ये सारे के सारे अपने 52 तक के क्वेश्चंस अपन ने भी पढ़ाए, ठीक है। मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर, मतलब मीटर ब्रिज का, मीटर ब्रिज पोस्ट बॉक्स ऑफिस वो अभी है नहीं, लेकिन मीटर ब्रिज एंड वो जो पोटेंशियोमीटर है वो सेम कंसेप्ट है, मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है, मॉडल इसके बाद मिलेगी, पहले इतना कर लो, ठीक है, मतलब 52 तक के क्वेश्चंस अपने हो चुके हैं। इसके बाद आगे के जो चार क्वेश्चन है दे आर बेस्ड ऑन पोटेंशियोमीटर, इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो आरसी सर्किट है, ठीक है, वो आरसी सर्किट को समझाने के लिए मुझे एक लेक्चर लगता है। तो आगे के लास्ट के जो 20 क्वेश्चन है वो आरसी सर्किट के बेस्ड ऊपर है, बट वो कैपेसिटर के बाद ही होगा, ठीक है, पहले इतना कर लो, इतना कर लो, ये होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। चलो फिर गाइस मिलते हम लोग, ये तो मैंने नहीं, लास्ट का होमवर्क इतना था, राइट, लास्ट का ही क्वेश्चन था 60 वोल्ट, आपके हॉलीडे के बाद ही होगा नीरज, चलो बाय गाइस। अद्वैत जिम जा रही है, मतलब सही जा रही है, अभी जाके दौड़ने जाऊंगा मैं, अभी मैंने सोचा कि हर बार लेक्चर के बाद मैं जिम दौड़ने जाता हूँ, मतलब अभी सुबह वगैरह टाइम नहीं मिलता, ठीक है, तो मिलते हैं, चलो नेक्स्ट चैप्टर, अभी नेक्स्ट चैप्टर होगा कैपेसिटर, ठीक है, बट आफ्टर द ब्रेक, मतलब अभी आप घूमने जा रहे हो ना, घूमने नहीं, सॉरी, मतलब कुछ लोग घूमने जाएंगे, ठीक है, नहीं आतिश सर अभी छोड़ दो, अभी आतिश सर को बाद में लेके आएंगे अपन, उनको जगाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, चलो बाय गाइस, बाय बाय बाय, ठीक है, चलो बाय बाय बाय।